हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। तो आपके लिए आज अमेंडमेंट लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी हाँ, सीए फाइनल, सीएस फाइनल और सीएम फाइनल, नवंबर 2020 एग्जाम्स या दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर अमेंडमेंट। इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कवर करने वाले हैं, पहले आपको समझा देता हूँ। बच्चों, मई 2020 एग्जाम्स के लिए जो भी शिफ्ट हो गए, नो डाउट, पर फिर भी अमेंडमेंट्स विच वर रिलेवेंट, विच वर एप्लीकेबल अप टू 31 अक्टूबर 2019, वापस रिपीट करता हूँ, 31 अक्टूबर 2019 तक के जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए थे वो मई 20 एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट थे। भले ही एग्जाम शिफ्ट हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, 31 अक्टूबर 2019 तक के अमेंडमेंट्स ही रिलेवेंट थे मई 20 एग्जाम्स के लिए। अब जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 20 में हैं, उनके लिए एज पर पॉलिसी ऑफ द आईसीआई, 6 मंथ बिफोर द मंथ ऑफ द एग्जाम्स, दैट इज 30 अप्रैल 2020 तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो गए हैं वो रिलेवेंट है। तो 30 अप्रैल 2020 तक जो अमेंडमेंट हो गए हैं वो रिलेवेंट हो गए नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, आपने जो ऑलरेडी पढ़ाई करी हुई है वो 31 अक्टूबर 2019 तक के अमेंडमेंट आपने आपके लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अब जो बचे अमेंडमेंट्स वो क्या है, 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक के जो भी अमेंडमेंट्स है वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले बच्चों। ओके, प्लस मैंने क्या किया है, एक पीडीएफ फाइल बनाई है अमेंडमेंट्स की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जो अपना टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है आईडीडी बाय सीए यशवंत मंगल, उसमें अमेंडमेंट नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसका लिंक मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें आपको। अभी नोट्स का आपको प्रिंट निकालना है और इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कैसे मैंने अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट किया बताता हूँ मैं आपको। पहले सबसे पहली बात, मैंने जो प्रिंट आउट दी है, मैंने जो नोट्स दिए आपको, इतने सारे पेजेस हैं, क्लियर? पर हाँ, डरो नहीं, डरो नहीं, ये वन साइड प्रिंट है, बैक साइड तो रफ था इसका, तो केवल वन साइड में इतने पेज है, वो भी सारे पूरे पेज अमेंडमेंट नहीं है बच्चों। ये क्या है, ये मेरा जो नया बुक आया है 20th एडिशन, जो नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए है, 20th एडिशन के उन उन पेजेस का प्रिंट है जिन इन पेजेस पे अमेंडमेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, 20th एडिशन में पेज नंबर 50 पे एक अमेंडमेंट था, तो ये 50th पेज पूरा प्रिंट दिया है, उसमें जहां अमेंडमेंट था वहां लिखा है ए, ए फॉर एप्पल नहीं होए, अमेंडमेंट, क्लियर? तो सर, जहां पे भी उस पूरे पेज पे अमेंडमेंट था वहां ए लिखा हुआ है। अच्छा, इससे आपको एक कंफर्ट जोन क्या मिलेगा बच्चों, आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें आपको अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कहाँ करना है ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने क्या किया है, उसी बुक जो आपके पास ऑलरेडी थी, 19th एडिशन मान लो आपके पास थी, अभी ये 20th एडिशन, तो 19th एडिशन में जो पेजेस थे वहीं पे जहाँ अमेंडमेंट हुआ वो टॉपिक आपको 20th एडिशन में मिल जाएगा ये वाला। तो आपको आपकी बुक के अंदर अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करने में भी टेंशन नहीं होगा, इजी कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ पेज इतने देख के डरना नहीं, बहुत इजी है, बहुत कम है, मेजरली अमेंडमेंट जो है वो क्लेरिफिकेटरी नेचर के है, बहुत टफ नहीं है, क्लियर? शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट। तो बच्चों, माहौल होना चाहिए एकदम जबरदस्त, और आई होप यू ऑल आर सेफ, यू ऑल आर हेल्दी, यू ऑल आर पॉजिटिव एंड यू ऑल आर हैप्पी। बच्चों, योर पॉजिटिव एनर्जी इज रिक्वायर्ड और मेरे को इस लेक्चर में आपसे एनर्जी चाहिए। तो सर, माहौल होना चाहिए जबरदस्त, शानदार एकदम। तो सर, बी एनर्जेटिक, लेट्स बिगिन विद अमेंडमेंट्स। सबसे पहले जीएसटी के अमेंडमेंट, और खास बात, कस्टम में तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं इस बार। जी हाँ, कस्टम्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए। एफटीपी में छोटा सा एक अमेंडमेंट है, वो बता दूंगा मैं आपको, क्लियर? तो शुरू करते हैं बच्चों माहौल। सबसे पहला अमेंडमेंट जो आपको दे रखा है, फर्स्ट पेज आपको मिला होगा बेटा, जहां ए लिखा है। अच्छा, आपको यहां मेरी तरफ रेफर करना है, मेरी तरफ देखना है, पेज जो होगा वहां जो लिखा है वो मैं आपको समझा दूंगा बच्चों, और बाद में ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप चाहे तो इनको रीडिंग कर सकते हो। ध्यान से सुनना, ध्यान इधर। सबसे पहला पॉइंट, अमेंडमेंट नहीं है, अगेन क्लेरिफिकेटरी नेचर का पॉइंट है। आपको बताओ तो बंडल्ड सप्लाई, सर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, सेक्शन नंबर 8, कंपोजिट सप्लाई में एक पॉइंट, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है सर, वेन एवर मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर एंड वेन सच सप्लाईज आर मेड टुगेदर इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ऐसे केस में उसको कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। और कंपोजिट सप्लाई अगर कोई सप्लाई है तो इसमें जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, द कंपोनेंट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ विच गिव्स द हाइएस्ट, विच गिव्स द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द सप्लाई, जो प्रिंसिपल एलिमेंट है
एंटायर बंडल्ड इज क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ दैट गुड्स और सर्विस. क्लियर? ये आपको पता है, ये प्रोविजन था सेक्शन नंबर 8. अब इसमें एक सर्कुलर था बस बॉडी बिल्डिंग को लेके. बेटा बस बॉडी बिल्डिंग क्या होती है सर? आपने देखा होगा कई बार जो ट्रक मैन्युफैक्चरर होता है उसने ट्रक बना दिया पर उसमें बॉडी नहीं लगाया. बेटा क्या हुआ, ट्रक का चेसिस इंजन सब कुछ रेडी. आपने देखा होगा हाईवेज पे कई बार खाली ट्रक होती है, केवल उसमें जो ड्राइवर होता है उसका केबिन बना होता है और ड्राइवर बस चला रहता है ट्रक बस कुछ भी, और पीछे बॉडी नहीं होती सर, किसी बॉडी ड्राइवर की नहीं बस की. तो सर क्या होता है, वो ट्रक बस बॉडी बिल्डिंग के पास जाती है बेटा जो बनाता है. वो पर्सन क्या करता है, इस ट्रक को यूज़ करके उस पर पूरा बॉडी बनाता है. अब बॉडी जो बनाता है वो उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होता है बेटा, वो सर्विसेज भी इसमें इन्वॉल्व करता है बेटा, क्योंकि मटेरियल भी लगाएगा इसमें और सर्विसेज भी देगा बेटा, बस बॉडी बनाने की सर्विस और मटेरियल जो बस बॉडी होती वो. अब इसको देखा जाए तो ये कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई है? तो साहब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता है, डेफिनेट सी बात है सर. तो ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई. अब कंपोजिट सप्लाई तो इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस. तो सर एक सर्कुलर था पहले जिसने बोला था इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, केस टू केस बेस पे देखना पड़ेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है. पर इंडस्ट्री में डिस्प्यूट होने लग गए इसको लेकर, इसलिए सीबीआईसी ने रेट ऑफ टैक्स, टैरिफ आपके कोर्स में नहीं आता बेटा, रेट ऑफ टैक्स जो टैरिफ का नोटिफिकेशन है उसमें एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया नोटिफिकेशन देखे, और वहां साफ साफ लिख दिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा. क्या होगा बच्चों, सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर एक्सप्लेनेशन एडेड बाय द नोटिफिकेशन. इसलिए वो सर्कुलर जो था जिसमें लिखा था कि इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस वो रिलेवेंट नहीं रहा. और यहाँ पे सर्कुलर को हटा के मैंने यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन आपको लास्ट वाली बुक में भी था बेटा, आंसर चेंज कर दिया और बोल दिया क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा. तो बस बॉडी बिल्डिंग जिसमें मटेरियल भी है और सर्विस भी है वहाँ वो कंपोजिट सप्लाई है, और उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट गवर्नमेंट खुद ने बोल दिया क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, और सप्लाई ऑफ सर्विस के प्रोविजंस लगेंगे. अच्छा आपको एक बात और बता दूं बेटा, मैं आरटीपी आईसीआई ने आरटीपी दिया था उसमें एक एमसीक्यू दिया था इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, और वहाँ पे इनफैक्ट आरटीपी तो एक साल पहले इशू हुआ था उसमें भी आईसीआई ने जो आंसर दिया उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए दिया, और वो आरटीपी का क्वेश्चन एमसीक्यू भी अपनी क्वेश्चनर बुक चैप्टर नंबर 3 जो टाइम ऑफ सप्लाई है उसमें ऑलरेडी कवर है बेटा ये. तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है, बस बॉडी बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई और उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट सप्लाई ऑफ सर्विस माहौल. ये पॉइंट नंबर 1 अमेंडमेंट खत्म होता है. अब क्या टफ था क्या बच्चों, यार बहुत इजी बच्चों, आराम से पढ़ो, डरना नहीं अमेंडमेंट के नाम से. अमेंडमेंट आर मेरली क्लेरिफिकेशन या इंप्रूवमेंट ही दे लो, नथिंग एल्स. आइए सरकार अगले पेज पे देखिए, नेक्स्ट मिला होगा आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में रूल नंबर 31A. रूल नंबर 31A. अच्छा पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले क्या था और अभी क्या है. सर सुनना, अरे बैटिंग गेमलिंग लॉटरी, अरे ओ सटोरियो, तो हॉर्स रेसिंग बैटिंग गैम्बलिंग इसके वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये जो पहले था अभी भी है. जो बेट वैल्यू आपने लगाया है दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये पहले भी था अभी भी है साहब. पर लॉटरी के केस में, लॉटरी टिकट के केस में वैल्यू सप्लाई क्या होगा, पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर लॉटरी इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पर लॉटरी टिकट जो होता है वो उसी स्टेट में सेल होगा जिस स्टेट ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा अगर था लॉटरी अगर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट था तो उसमें फेस वैल्यू ऑफ द लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 112 × 100 या प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन देयर ऑफिशियल गैजेट उसका वो प्राइस डिवाइड बाय 112 × 100 विच एवर इज हायर, तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होता था. एंड अगर लॉटरी ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट है तो वहाँ रेट ऑफ टैक्स था 28%, इसलिए वहाँ पे 112 की जगह पे 128 हुआ करता था बच्चों. तो पहले दो रेट थी लॉटरी पर, लॉटरी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट में 12% था और लॉटरी ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट में 28% टैक्स की रेट थी, इसलिए उस अकॉर्डिंग उस प्राइस को इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानते हुए फॉर्मूला दिया हुआ था. पर अगेन अमेंडमेंट हुआ टैरिफ के अंदर और हर लॉटरी टिकट भले वो रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो या ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट हो, हर के केस में लॉटरी टिकट के लिए 28% रेट ऑफ टैक्स कर दिया गया, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे वैल्यूएशन मैकेनिज्म भी सिंगल हो गया. पहले दो अलग अलग वैल्यूएशन मैकेनिज्म थे लॉटरी टिकट के केस में, अब सिंगल हो गया और बोल दिया क्या फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट डिवाइड बाय 128 × 100 या फिर जो प्राइस नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने इन दियर ऑफिशियल गजट वो प्राइस डिवाइड बाय 128 × 100 विच एवर इज हायर, जो प्राइस आएगा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स. क्लियर? डन माहौल. क्लियर? तो आई रिपीट, वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट क्या होगा बेटा, क्या होगा फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट या फिर प्राइस नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन दियर ऑफिशियल गजट
डिवाइड बाय 128 इंटू 100, हाँ है ना, ये जो करेंगे उसके बाद जो भी हायर प्राइस आएगा दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 31A फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग जीएसटी 20% टैक्स हो गया लोडेड डिग्री पे बेटा, क्लियर माहौल, पॉइंट खत्म होता है। अब ये था रूल नंबर 31A। सर आइए अगला अमेंडमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 आपको पता है बेटा कि अगर आपको क्रेडिट लेना है तो देर इज अ कंडीशन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 कि सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स। सप्लायर ने टैक्स पे किया होगा तो ही हमको क्रेडिट मिलेगा, पर आप चाहे तो प्रोविजनल बेस पे एक बार क्रेडिट ले सकते हो बेटा। प्लस रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 ने कंडीशन डाल दी कि आप प्रोविजनल क्रेडिट ले रहे हो, आपके जीएसटीआर 2A में इनवॉइस नहीं आ रहा है, आपने जो इनवर्ट सप्लाई लिया है, जो सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट करेगा, जीएसटीआर 1 जब वो सबमिट करेगा तब हमारे इधर 2A में आएगा बेटा। अगर वो इनवॉइस आपके 2A में नहीं आ रहा है फिर भी आप प्रोविजनल क्रेडिट ले सकते हो, बट दैट क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द एलिजिबल ITC फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेवेंट पीरियड। हाँ है ना बच्चों, क्लियर, ये आपने पढ़ा था पहले, पर अब इस लिमिट को 20% से 10% कर दिया है, कम कर दिया है, मतलब बोला कि हम आपको कम क्रेडिट देंगे, प्रोविजनल पे से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर कोई इनवॉइस आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सप्लायर ने GSTR 1 में वो इनवॉइस पंच नहीं किया, आपके 2A में नहीं आया है, तो ऐसे केस में आपको अगर प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट लेनी है तो ले तो सकते हो, पर मैक्सिमम क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एलिजिबल ITC। पहले था 20%, उसको कर दिया कितना 10%, तो आपको जो ये पेज मिला होगा वहां पे 20% कर करके 10% लिखा हुआ है, पर ये बेटा बैरेक्ट पोर्शन है, सेम पॉइंट आगे वापस रिपीट मिलेगा बेटा, क्लियर, क्योंकि अपनी बुक के अंदर इस टॉपिक का बैरेक्ट भी दे रखा था, आगे एनालिटिकल व्यू भी दे रखा है, तो ये पॉइंट को नेक्स्ट पेज पे रिपीट किया। अच्छा, इस पेज पे आपको 2A मिले होंगे, 2A मतलब 2 एप्पल है ना, 2 अमेंडमेंट। अच्छा, 2 अमेंडमेंट क्या है बेटा, एक तो हो गया 10% वाला बेटा, सेकंड जो लिखा है वो ये लिखा है, देखिए COVID-19 ने सबकी हालत खराब कर दी बच्चों, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, आई रिपीट फरवरी से लेकर सितंबर तक का एसएससी के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट को भी गवर्नमेंट एसएससी के जीएसटीआर 1 के लिए भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दे दिया उनको। तो अगर एसएससी ने ये कैलकुलेशन एवरी मंथ नहीं किया फरवरी से लेकर सितंबर तक, तो वन टाइम उसको एक मौका दिया गया कि आप चाहे तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर इन सब का एक साथ क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट कर सकते हो सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करते वक्त बेटा, पर ये वन टाइम पॉइंट है तो इतना कोई खास रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, पर फिर भी मैंने बुक में दिया और आपको पढ़ा दिया, वापस बोल देता हूँ बेटा, जो आपको ये 10% की कैलकुलेशन करनी है ये एवरी मंथ करनी बेटा, एवरी मंथ जब आप अपना GSTR 3B फाइल करेंगे, जब क्रेडिट को अवेल करेंगे यूज़ करेंगे बेटा, तब आपको मैक्सिमम 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हो आप, जिसका बिल नहीं आया 2A में वो भी आप क्रेडिट ले सकते हो, मतलब एलिजिबल क्रेडिट का 110% आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा, पर ये एवरी मंथ कैलकुलेशन होगी, पर फरवरी से लेकर सितंबर तक आप चाहे तो ये सारे महीनों का एक साथ सितंबर मंथ में कैलकुलेशन कर लेना कि जितना भी एलिजिबल क्रेडिट था इन सारे महीनों का मिला के उसका 110% क्रेडिट एक साथ आप ले लेना सितंबर मंथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। पर अगेन ये वन टाइम एक्सरसाइज है बेटा, क्योंकि COVID-19 की वजह से सब तरफ लॉकडाउन है, इस वजह से बच्चों, ओके क्लियर। ये 2 पॉइंट यहाँ पे ऐड हुए रूल नंबर 36 रूल नंबर 4 में। देखिए आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जो पेज में 105 टॉप पे आपको मिला होगा बेटा, उसके एंड में भी 2A मिले, ये वही दोनों पॉइंट रिपीट किए, क्योंकि आगे वाले पेज में जो था वो बैरेक पार्ट था और वही रिपीट किया मैंने कहाँ पर एनालिटिकल पॉइंट में, इसी पॉइंट को ऐड किया कि एक तो 20% की जगह कितना हो गया है 10% हो गया बेटा, मतलब एलिजिबल ITC का 110% आप क्रेडिट ले पाएंगे, एंड सेकंड फरवरी से लेकर सितंबर मंथ तक का आप चाहे तो क्यूमुलेटिव एक साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त बच्चों, सितंबर 2020 मंथ के लिए बच्चा, हाँ है ना, ये 2 अमेंडमेंट हुए बच्चों। अच्छा, मैंने देखो नेक्स्ट पेज भी दे रखा आपको, पेज नंबर 106, यहां पर आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल था बेटा, अभी भी एग्जाम्पल ये वाला। अच्छा, पहले जो एग्जाम्पल था वो 20% को लेकर था, अब 10% को लेकर हो गया बेटा, आप चाहे तो वो एनालिटिकल एग्जाम्पल यहां देख लीजिए तो रिवीजन एक और बार हो जाएगा आपका बेटा इस पॉइंट को लेके। एनालिटिकल एग्जांपल मिड ऑफ द पेज में मिला होगा, पेज नंबर 106 पे ब्रैकेट में लिखा है ITC इज अवेलेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 110% ऑफ द ITC व्हिच इज एलिजिबल ऑफ GSTR 2A, क्लियर, ये मिला आपको बेटा। देखिए एग्जांपल में दे रखा मैंने ITC इज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स 2000 रुपी, ITC इज पर GSTR 2A 1500, मतलब आपके 2A में केवल 1500 आ रहा है, जबकि आपने परचेज बिल जो लिए है इस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो है 2000 क्रेडिट। अब मैक्सिमम क्रेडिट कितना ले सकते हो, मैं अज्यूम करूंगी जो 1500 है वो पूरा क्या है एलिजिबल क्रेडिट बेटा, क्योंकि एलिजिबल क्रेडिट का ही 110% है बेटा, तो 1500 मानता हूँ पूरा एलिजिबल क्रेडिट है सर। अब
इनवॉइसेज जो अपलोड नहीं किए कितने हो गए बेटा, 500 रुपये के हो गए बेटा, जो आपके 2A में नहीं आ रहे, पर आप मैक्सिमम ग्रेड ले कितना सकते हो बच्चों, 1500 का 110% जो होता है 1650, 1650 आप आई टी सी ले सकते हो, जबकि आपकी बुक्स के हिसाब से कितना आई टी सी है 2000, तो आपको 350 आई टी सी नहीं मिलेगा। आपने बुक्स में अगर लिया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। तो मैक्सिमम आई टी सी इन दिस पर्टिकुलर मंथ कैन बी अवेल्ड ओनली अप टू ₹1650, क्लियर? तो बिजनेसमैन के लिए एक नई हेडेक और चालू हो गई, उसको एवरी मंथ ये कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा बेटा, क्लियर? खैर ये 20% था पहले, अब 10% हो गया है, माहौल डन। प्लस इसको समझाने के लिए, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज आ रहे थे उनको क्लेरिफाई करने के लिए CBIC ने इस टॉपिक को लेके एक सर्कुलर भी दिया बेटा। तो वो सर्कुलर भी मैंने आपको दे रखा है, आप उस सर्कुलर के लिए एक काम करें, 4-5 पेज आगे आइए, क्योंकि मैंने सर्कुलर इस चैप्टर के एंड में दिया था, मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर, आप 5-6 पेज आगे आइए, आपको मिला होगा इन अमेंडमेंट नोट्स में पेज नंबर 184, अमेंडमेंट नोट्स में पेज नंबर 184 पे आए बेटा आप, आगे क्या बच्चों? ओके, अमेंडमेंट नोट्स का पेज नंबर 184, यहाँ पे इसी टॉपिक को लेके एक सर्कुलर दिया है, वो सर्कुलर भी हम यहाँ कवर कर लेते हैं बच्चों, सुनना बच्चा ध्यान से, मिल गया आपको पेज, मिल गया? ओके, हेडिंग पढ़िए सर, क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्शन इन अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ सब रूल नंबर 4 ऑफ रूल नंबर 36 ऑफ द CGST रूल्स 2017, जो अभी हमने पढ़ा बेटा, रूल नंबर 36(4) में जो सर्कुलर जो प्रोविजन अभी हमने पढ़ा है उसको लेके कुछ इश्यूज थे, उसको क्लेरिफाई किया। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो क्लेरिफाई किया कि गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वहाँ पे इस कैलकुलेशन करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है कि मैक्सिमम आप 110% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट ही ले सकते हो प्रोविजनल बेस पे, ये आपको सेल्फ असेस करना पड़ेगा, सिस्टम से गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर से कोई कंट्रोल नहीं है, सेल्फ असेस करना पड़ेगा, ये आपको असेसी को खुद को कैलकुलेशन करनी बेटा, क्लियर? सेकंड, अब इसमें कुछ इश्यूज आए, आप देखिए बॉक्सेस बेटा, पॉइंट नंबर 3 जो दे रखा है, पॉइंट नंबर 1 में तो केवल इंट्रोडक्शन दे रखा है कि टॉपिक क्या है बेटा, पॉइंट नंबर 2 में समझाया हुआ है गवर्नमेंट के पास मशीनरी नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे वो चेक करेंगे, पर आपको सेल्फ असेस करके ये कैलकुलेशन करना है और गवर्नमेंट कभी भी वेरीफाई कर सकता है इसको आपके यहाँ पे आके। पॉइंट नंबर 3 देखिए बेटा क्या लिखा है, वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेड सब रूल हैव बीन एग्जामिन्ड एंड द क्लेरिफिकेशन ऑन ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इज एज अंडर। फर्स्ट, What are the invoices or debit notes on which the restriction under rule number 36 sub rule number 4 of the CGST rules 2017 applies? सरकार कौन से invoices या debit note पर rule number 36 sub rule number 4 का ये restriction apply होगा? तो सर ये rule number 36(4) का restriction उन मतलब 110% eligible credit का ले सकते हो आप, ये restriction उन्हीं invoices और debit note पर apply होगा which are required to be uploaded by supplier in terms of section number 37 subsection number 1। मतलब जिसको GSTR 1 में अपलोड करना पड़ता है, जिन इनवॉइसेज या डेबिट नोट को GSTR 1 में अपलोड करना पड़ता है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप कहोगे सर तो कौन से ऐसे इनवॉइसेज है जिसको GSTR 1 में अपलोड नहीं करना पड़ता है? अरे भाई मान लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट खुद लायबल है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रेसिपिएंट खुद लायबल है, खुद नहीं खुद पे इनवॉइस रेज किया, खुद नहीं उस इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट लिया, तो ऑब्वियस ही बात है वो इन्वेस्ट आपके 2A में आ नहीं रहा होगा बेटा, तो वहाँ पे आप उसका क्रेडिट पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, आपने जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया बेटा, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ में IGST भी लगता है बेटा, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट वाला बेटा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपने किया, कस्टम क्लियरेंस कराया होगा उस टाइम पे, आपने IGST पे किया होगा, उसका आप सेल्फ क्रेडिट लेते हो बेटा, वो भी 2A में आपके नहीं आता है। थर्ड साहब, जिसका GSTR 1 सबमिट करना पड़ता है उसी की बात कर रहा हूँ, तो ISD वाला इन्वॉइस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तब GSTR 6 के थ्रू करता है बेटा, वो GSTR 1 के थ्रू नहीं करता है, वो GSTR 6 सबमिट करता है, तो हमारे 2A में आता है बेटा। तो सिंस अगेन उसको GSTR 1 सबमिट नहीं करना पड़ता है, उसको 6 सबमिट करना पड़ता है, इसलिए ISD का भी बिल आ जाए आप क्रेडिट ले लीजिए, भले आपके 2A में नहीं आया, क्लियर? और आपको 110% कैलकुलेशन करते वक्त इनको कंसिडर नहीं करना है साहब, इनकी दिक्कत नहीं है, वो ही इन्वॉइस काउंट करना है, वही इन्वॉइसेस एलिजिबल है इस 110% के लिए, जो ये रेस्ट्रिक्शन जो 110% की है ये उन्हीं के लिए जिनके लिए सप्लायर को GSTR 1 सबमिट करना पड़ता है अंडर सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1, क्लियर? सप्लायर ने सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अगर GSTR 1 सबमिट नहीं किया तो आपके 2A में नहीं आएगा, 2A में आएगा तो क्रेडिट, 2A में नहीं आएगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्लियर? पर वो क्रेडिट आप ले सकते हो कितना, 10% तक का, क्लियर? पक्का
डन, तो मतलब आरसीम वाले इनवॉइस, आईएसडी वाले इनवॉइस और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट के बेस पे जो आप आईडीस लेते हो वो तो पूरा डॉक्यूमेंट के बेस पे ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सर उसका कोई प्रोविजन क्रेडिट वाली बात नहीं आएगी। और ऐसे केस में जिनका जीएसटीआर 1 सबमिट करना पड़ता है, मतलब नॉर्मल इनवॉइस डेबिट नोट वगैरह, वो लोग क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 पंच करेंगे, हमारे 2A में आएगा, वो भी अगर 2A में नहीं आ रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्लियर। पर टेम्प्ररी आप ले सकते हो कितना, 10% एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते हो एलिजिबल क्रेडिट का बेटा, क्लियर डन, समझे मेरी बात बेटा माहौल। ये पॉइंट नंबर 1 का आंसर हुआ बेटा आपका। ओके सरकार, पॉइंट नंबर 2 वेदर द, अच्छा एक और सेकंड बात, सिंस ये 20% और 10% वाला जो प्रोविजन था, 20% वाली कंडीशन आई थी 9 अक्टूबर से, तो 9 अक्टूबर 2019 या उसके बाद जो बिल इशू हुए साहब, 9 अक्टूबर 2019 के बाद जो बिल इशू हुए उन्हीं पे ये कंडीशन अप्लाई होगी, उससे पहले वाले बिल पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अच्छा पहली बात तो 9 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन जो आई थी वो 20% की आई थी, फिर इसको चेंज करके 10% कर दिया, पर कुल मिला के उससे पहले वाले बिल अगर होंगे तो आप पूरा क्रेडिट ले लीजिए, उसके लिए तो प्रोविजनल बेस पर क्रेडिट लो, भले 2A में नहीं आना तो भी, क्लियर पक्का बच्चों। उसके बाद वाले बिल के लिए ही मैक्सिमम 20% तक ले सकते थे क्रेडिट, जिसको बाद में कम करके 10% कर दिया गया। माहौल पॉइंट नंबर 2, वेदर द सेड रेस्ट्रिक्शन इज टू बी कैलकुलेटेड सप्लायर वाइज और ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। बेटा हमने प्रोविजन पढ़ा, कहीं पे लिखा था सप्लायर वाइज आपको 110% कैलकुलेट करना है, नहीं, आपको जो 110% कैलकुलेट करना है वो कंसोलिडेटेड बिल के बेस पे करना है। आपने टोटल जितना परचेज किया उसमें जितना एलिजिबल क्रेडिट है आपके पास, जितना एलिजिबल ITC, देखो बेटा मान लो कोई क्रेडिट जो है वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर है 17.5 में, तो उसका ITC वैसे भी मिलता ही नहीं है, तो उसको एलिजिबल ITC में कैलकुलेट नहीं करना। तो जो एलिजिबल ITC है उसका 110% तक का क्रेडिट आप ले सकते हो बेटा, क्लियर। और वो 110% किसका होगा, टोटल सारे बिल का होगा, सप्लायर वाइज नहीं बेटा, कंसोलिडेटेड वाइज बेटा, टैक्स पीरियड में जितने भी परचेज किए, कितने भी लोगों से परचेज किए कोई कंसर्न नहीं है, सबका मिला के टोटल क्रेडिट, फिर उसका 110%। माहौल सर, क्वेश्चन नंबर 3, जो डाउट आया इंडस्ट्री में कि फॉर्म नंबर GSTR 2A बीइंग अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट, डायनेमिक डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता बेटा, कि साहब सप्लायर जरूरी थोड़े कि वो ड्यू डेट पे ही GSTR 1 सबमिट करते हैं, हो सकता है उसने लेट सबमिट किया, अब उसने GSTR 1 लेट सबमिट किया तो हमारे 2A में भी लेट आएगा बेटा। तो हमको जो इन्वॉइसेस आ गए हैं हमारे 2A में, जो एलिजिबल क्रेडिट है वो किस दिन तक का लेना है, वो क्वेश्चन पढ़िए वापस बेटा। फॉर्म नंबर GSTR 2A बीइंग अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ITC दैट इज एडमिसिबल टू द टैक्स पेयर फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वॉइसेस और डेबिट नोट्स हुज डिटेल्स हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स। तो इसलिए आंसर दिया कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 जो होगा, आई रिपीट, जो जनरली 10 तारीख होता है बेटा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 जो होगा, उस दिन तक जितने इन्वॉइस आपके आ जाएंगे उन्हीं का आप क्रेडिट ले पाएंगे, और जिनका आपने क्रेडिट लिया है वो अगर एलिजिबल क्रेडिट है तो उसका 10% एक्स्ट्रा और क्रेडिट ले सकते हो, जो आपके ड्यू डेट तक क्रेडिट नहीं आए हैं बिल में। आई रिपीट, जो आपके ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 जो होती है, जो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है नॉर्मली, उस दिन तक आपके 2A में अगर नहीं आया तो हमें मानेंगे कि वो बिल आया ही नहीं, उसका क्रेडिट ले सकते हो पर प्रोविजनल बेस पर ले सकते हो, पर मैक्सिमम 10% ऑफ द एलिजिबल ITC ले सकते हो बच्चों आप, क्लियर। और एलिजिबल ITC वही होगा जिसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 तक, मतलब 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक GSTR 2A में हमारे ITC आ चुका है बेटा, क्लियर। माहौल आइए सर, पॉइंट नंबर 4 समझ में आया पॉइंट आपको, ये जैसे जनवरी मंथ था बेटा तो 10th फरवरी मान लो उसका GSTR 1 का ड्यू डेट है, उसको एक्सटेंड नहीं किया मान लो। मैं क्यों बार बार 10th बोल रहा हूँ, क्योंकि 10th ही ड्यू डेट ऑफ GSTR 1 होती है, पर कभी कभी गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर देता है, तो इसलिए मैं जनरली 10 तारीख बोल रहा हूँ बेटा। मेरा पॉइंट आपसे ये कि जनवरी मंथ का मान लो ड्यू डेट का GSTR 1 का 10th ऑफ द फरवरी बेटा, तो 10th फरवरी तक जितना आपके 2A में आ गया होगा, क्लियर, उन्हीं इनवॉइसेस को बोलेंगे एलिजिबल। जो 10 तारीख तक नहीं आया, क्लियर, उसका आप क्रेडिट ले सकते हो पर मैक्सिमम 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट ले सकते हो, बाकी वो काउंट नहीं होगा एलिजिबल के लिए बेटा। ओके अगले महीने में क्रेडिट लेना उसकी बेटा, इस महीने में नहीं मिलेगा। आइए पॉइंट नंबर 4, हाउ मच ITC अ रजिस्टर्ड पर्सन, आई रिपीट, हाउ मच ITC अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन अवेल इन हिज फॉर्म GSTR 3B इन अ मंथ इन केस द डिटेल्स ऑफ सम ऑफ द इनवॉइसेस हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37। भाई 110% कितना क्रेडिट ले सकता है, जितना एलिजिबल क्रेडिट था उसका 110%, मतलब जो एलिजिबल क्रेडिट है उसमें 10% और ऐड कर दो उसका बेटा, इतना आप मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हो। ओके अब सर्कुलर ने क्या किया, इलस्ट्रेशन देके समझाया कि साहब कैसे वो 10% कैलकुलेट होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल दे रखे हैं,
फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन देखिए बेटा उसकी, लिखा है क्या पेज 195 जो मिला होगा आपको, इन द इलस्ट्रेशन से अ टैक्स पेयर आर रिसीव्स 100 इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्विंग एलिजिबल आईटीसी, इन्वॉल्विंग एलिजिबल आईटीसी ऑफ रुपीज 10 लैक्स फ्रॉम वेरियस सप्लायर्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 एंड हैज टू क्लेम आईटीसी इन हिज फॉर्म GSTR 3B ऑफ द जनवरी टू बी फाइल्ड बाय द 20th of February 2020 बेटा। ओके साहब, उसने 100 इनवॉइसेस रिसीव किए जिसमें 10 लाख का क्रेडिट था एलिजिबल। अब सर अलग अलग केसेस दे दिए, बताइए कितना मैक्सिमम क्रेडिट वो ले सकता है। फर्स्ट केस, सप्लायर्स हैव फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 ओनली 80 इनवॉइसेस। देखो सारे सप्लायर मिला के बेटा, ये सप्लायर वाइज नहीं है, कंसोलिडेटेड वाइज बेटा। सप्लायर्स हैव फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 80 इनवॉइसेस, 80 इनवॉइस इन्वॉल्विंग आईटीसी ऑफ रुपीज ओनली 6 लैक्स एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज बाय द सप्लायर। इन एग्जाम्पल से सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सर 6 लाख का आईटीसी आ रहा है 2A में और ये एलिजिबल क्रेडिट है, क्या करेंगे? मैक्सिमम कितना ले सकते हो बेटा? 10% एक्स्ट्रा, कितना हो गया? 6,60,000 क्रेडिट आप ले पाएंगे इस पर्टिकुलर मंथ में आउट ऑफ 10 लाख, और रिमेनिंग 340 बाद में मिलेगा जब उनके रेस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स आएंगे तब। क्लियर? उसके बारे में पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 5 में बात कही, मैं बात करता हूँ उसके बारे में। सेकंड केस, सप्लायर्स हैव फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईटीसी ऑफ रुपीज 7 लैक्स एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग GSTR 1, तो 7 लाख का 10% कितना हो गया बेटा? 70,000। तो मैक्सिमम 7 लाख 70,000 क्रेडिट कैन बी अवेल्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्या है केस नंबर 3, 10 लाख में से कितना क्रेडिट मिलेगा देखना बेटा। सप्लायर्स हैव फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 75 इनवॉइसेस हैविंग आईटीसी ऑफ रुपीज 9.5 लाख एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज बाय द सप्लायर। भाई 9.5 लाख का क्रेडिट तो ऑलरेडी आ गया, अब उसका 10% होता है 95,000, अब 9,50,000 आउट ऑफ 10 लाख, 10 लाख के सारे बिल थे बेटा, 10 लाख में से 9,50,000 तो वैसे भी बिल आ गया बेटा, वो तो आप क्रेडिट ले लोगे। अब 9,50,000 का 10% कितना होता है? 95,000, टोटल करेंगे तो 10,45,000। अरे भाई जब टोटल बिल ही 10 लाख के थे तो कैसे 10 लाख से ज़्यादा क्रेडिट ले पाएंगे बेटा? आप प्रोविजनल बेस पर क्रेडिट ले सकते हो, पर एक्चुअल परचेज नहीं किया तो कैसे लोगे बेटा? तो एक्चुअल परचेज मैक्सिमम 10 लाख का था बेटा। तो सर जो प्रोविजन बेस पर आप क्रेडिट ले रहे हो, दैट शुड नॉट एक्सीड टोटल मिला के 10 लाख ना बेटा यार, इसलिए 9,50,000 ऑलरेडी ले चुके थे, इसका 10% करेंगे तो होगा 95,000, पर मैक्सिमम आपको क्रेडिट मिलेगा कितना? 10 लाख तक का ही, क्योंकि टोटल एलिजिबल क्रेडिट कितना बेटा? 10 लाख है बेटा, प्रोविजन मिलाने के बाद भी बेटा। ओके माहौल, तो सर आप प्रोविजन बेस पर इस केस में क्रेडिट लेंगे कितना? 50,000 ओनली, तो 950 तो ऑलरेडी मिला हुआ था आपको क्रेडिट बिल के बेस पे, और 50,000 आप प्रोविजन बेस पर क्रेडिट ले लेना, तो पूरा 10 लाख का क्रेडिट आपका हो गया इसी महीने में, कोई लोड नहीं बेटा आपको। अब पॉइंट नंबर 5 कहता है कि बच्चों, मतलब सर्कुलर ने तो बच्चों नहीं बोला होगा, ये तो मैं ही बोल रहा हूँ आपको, क्लियर? और मेरे को कई बार लगता है आप मेरे से भी बड़े हो यार। सर माहौल एकदम जबरदस्त, आप मेरे से भी एडवांस हो यार। पॉइंट मेरे को ये आता है कि यार आपने पॉइंट नंबर 4 में भी हमको कैलकुलेशन बताया कि फर्स्ट केस में 6,60,000 का क्रेडिट मिलेगा, सेकेंड केस में 770 का क्रेडिट मिलेगा, थर्ड केस में पूरा 10 लाख का क्रेडिट मिल गया। तो साहब बाकी क्रेडिट का मिलेगा? केस नंबर 3 में तो चलो पूरा मिल गया, केस नंबर 1 में 660 का क्रेडिट मिला था, रिमेनिंग 340 का मिलेगा। केस नंबर 2 में 770 का क्रेडिट मिला था, रिमेनिंग 230 कब मिलेगा साहब? हाँ है ना बच्चों? तो ये पॉइंट हमारे आंसर दिए पॉइंट नंबर 5 ने, कब मिलेगा? जब उनके इनवॉइस आएंगे। पर हाँ आप समझना बच्चों, जैसे केस नंबर 1 में 6 लाख का आपको बिल आ गया था बेटा आउट ऑफ 10 लाख, आपने उसका 10% मतलब 60,000 रुपये टोटल 660 क्रेडिट ले लिया बेटा, रिमेनिंग 340 क्रेडिट आपने अभी तक अवेल नहीं किया, तो कब आप ले पाएंगे क्रेडिट उसका? तो सर बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या पॉइंट आएगा? जब 3,40,000 के बिल आ जाएंगे, जब 3,40,000 के बिल आ जाएंगे तब हम रिमेनिंग 340 क्रेडिट ले लेंगे। अरे नहीं रे, क्यों नहीं रे? थोड़ा सा एक मैथ्स का कैलकुलेशन आप एरर कर रहे हो। अरे भाई मान लो जैसे ही कोई एक बिल और आ गया 3 लाख रुपए का, मान लो जो एलिजिबल है आउट ऑफ 10 लाख, जो आपको 6 लाख के बिल आए थे उसमें से 3 लाख का बिल और आ गया, तो केवल 3 लाख नहीं मिलेगा, 3 लाख प्लस 10% ले सकते हो ना आप एक्स्ट्रा, क्योंकि एलिजिबल क्रेडिट का 110% आप ले सकते हो। तो 3,40,000 का अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया तो पूरे 3,40,000 के बिल का वेट करने की जरूरत नहीं आपको। जिस दिन इतने एलिजिबल बिल आ जाए आपके पास कि टोटल 3,40,000 हो जाए 110%, तब वो पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। सुनना वापस से, थोड़ा दिमाग लगेगा मैथ्स का बेटा। मतलब कहने का ये है कि यार जो क्रेडिट आपको मिलता है उसका 10% आप और क्रेडिट ले सकते हो, जो आपको बिल आ गए है एलिजिबल क्रेडिट के
उससे एक्सेस में 10% क्रेडिट और ले सकते हो आप। अब आपने 340,000 क्रेडिट नहीं लिया, अब मान लो जो एलिजिबल क्रेडिट वो है 100 और आप ले कितना सकते हो 10% और, मतलब 110 ले सकते हो बेटा। अब आपको लेना है क्या 340,000 क्रेडिट बेटा, तो 340,000 हो गया 110, क्लियर। तो 340,000 को क्या कर दिए बेटा, 340,000 को डिवाइड कर दीजिए 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 309,901 रुपये बेटा, क्लियर। 309,901, तो जिस दिन आपको 309,901 के इनवॉइसेस आ जाएंगे, क्या बोला मैंने, 309,091 के बिल, 309,000, मेरे केलसी गलत हो रहा है, केलसी की बैटरी ख़त्म हो गई सर, अब कोविड ने कई सारी बैटरी ख़त्म कर दी मालिक, मोबाइल में यूज़ करते हैं, 340,000, ओके 309,091, 309,091 के जिस दिन बिल आपके पास आ जाएंगे उस दिन आप क्रेडिट ले पाएंगे। 309,091 के बिल जब आ जाएंगे उस दिन आप 340,000 क्रेडिट ले पाएंगे। आई रिपीट, कैसे बेटा, देखो टोटल 10,00,000 का क्रेडिट आपको लेना है बेटा, 6,00,000 के बिल ऑलरेडी आ गए, अरे हाँ है ना, क्लियर। आपने कितना क्रेडिट लिया, 6,00,000 का 110%, तो 660 क्रेडिट ले लिया आपने। अब अगर आपको 309,091 के इनवॉइस और आ जाए, 309,091 के, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए 309,091 इसमें मल्टीप्लाई करके किससे, 110% से, देखो 340,000 आ जाएगा बेटा। तो जिस दिन रिमेनिंग 309,091 रुपये के इन्वॉइसेस आपको और आ जाएंगे उस दिन आप रिमेनिंग 340,000 का क्रेडिट और ले पाएंगे और पूरा 10,00,000 का क्रेडिट हो जाएगा। तो यार एक काम करता हूँ ना मैं, और अच्छे तरीके से फ्रेम कर देता हूँ इस पॉइंट को। बच्चों मैं तो ये कह रहा हूँ, छोड़ो इन सब बात को, डायरेक्ट ये देखो कि 10,00,000 का जो एलिजिबल क्रेडिट है आपका टोटल क्रेडिट, वो अगर 110% है तो 100% कितना होगा, क्योंकि जिस दिन एलिजिबल क्रेडिट के बिल जितने आपके पास आए उसमें जब 10% ऐड करोगे वो टोटल क्रेडिट हो जाएगा बेटा आपका। तो टोटल क्रेडिट आपको लेना है कितना, 10,00,000 का, तो 10,00,000 को मान लो आप 110, क्योंकि मैक्सिमम 110% आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा। तो सर हम तो मान रहे क्या 10,00,000 का क्रेडिट जो था वो हमको लेना है पूरा, तो कितना की बिल हमारे पास आ जाना चाहिए बेटा, क्वेश्चन समझे मेरा वापस से, अगर पूरे 10,00,000 का क्रेडिट अगर आपको लेना है तो कितने के इन्वेस्टर्स आपके पास होने चाहिए सो देट आप पूरे 10,00,000 का क्रेडिट ले पाए। तो 10,00,000 को 110 मान लो, 10,00,000, देखिए मोबाइल में कैलकुलेशन करिए बेटा, 10,00,000 डिवाइड बाय 1.10 कर दो आप, क्लियर, या 10,00,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 कर दो बेटा। अगर 10,00,000 110% है तो 100% कितना हो गया, 909,091, राउंड ऑफ करके 909,091 के जिस दिन आपके पास इन्वॉइसेस आ गए उस दिन आप 10,00,000 का पूरा क्रेडिट ले लेंगे बेटा, समझा मेरी बात। मतलब जिस दिन आपके पास 909,091 रुपए के टोटल टैक्स इन्वॉइसेस आ गए उसका 110% करेंगे 10,00,000 हो जाएगा बेटा। तो सर पूरा 10,00,000 क्रेडिट मिल गया, कोई लॉस नहीं हुआ बेटा अपने को, भी वर्किंग कैपिटल को लॉस नहीं हुआ, क्रेडिट इमीजिएट मिल गया। तो सर आपको केस में वन में इन्वॉइस आए कितने के थे, 6,00,000 के आए थे बेटा, अरे हाँ है ना, अब 6,00,000 के बिल पे 6,60,000 ले लिया। अगर आपके पास 909,091 की बिल हो जाए तो पूरा 10,00,000 मिल जाएगा ना यार। तो इन्वेस्ट आए कितने बेटा, आउट ऑफ 909,091 आपके पास इन्वेस्ट आ गए थे 6,00,000 के, तो रिमेनिंग 309,091 के बिल और आ जाएंगे, तो रिमेनिंग 340,000 पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सेम वे 7,00,000 वाले केस में, केस नंबर 2 जो था ना बेटा आपका, कि 10,00,000 में से 7,00,000 के बिल आए थे बेटा, अब 10,00,000 में 7,00,000 के बिल आ गए, तो अगर आपके पास 909,091 के बिल हुए तो पूरा 10,00,000 मिल जाएगा। तो 909,091 में से 7,00,000 तो ऑलरेडी आ गया, रिमेनिंग कितना है 209,091। तो जिस दिन रिमेनिंग 209,091 के इन्वॉइसेस आपको और आ जाएंगे उस दिन आप रिमेनिंग 230,000 का क्रेडिट और ले लेंगे केस नंबर 2 में, और आपका पूरा 10,00,000 का क्रेडिट अवेल हो जाएगा बच्चों, क्लियर समझे। ये आपका सर्कुलर पूरा खत्म होता है। अब इसी के साथ भारत माता की जय। मैं सर्कुलर एक बार वापस रिवाइज करता हूँ सो दैट समरी पॉइंट में आपका दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा क्या मैंने पढ़ाया आपको। सबसे पहली बात, ध्यान देना बेटा, रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 दिल थाम के सुनिएगा। रूल नंबर 36 और रूल नंबर 4 बोलता है क्या कि आपने जो भी क्रेडिट लिया है परचेस इन्वॉइस जो टैक्स पे किया उसका क्रेडिट लेंगे, पर अगर कोई इन्वॉइस
जो GSTR 1 के थ्रू सबमिट होना था, सप्लायर को सबमिट करना था, उसने सबमिट नहीं किया, आपके 2A में नहीं आ रहा है, तो भी आप उसका क्रेडिट ले सकते हो प्रोविजनल बेस पे, बट दैट प्रोविजनल क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल एलिजिबल क्रेडिट। क्लियर? अब उसको लेके मतलब एलिजिबल क्रेडिट का 110% मैक्सिमम आप क्रेडिट ले सकते हो, उसको लेके सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि पहली बात तो उसको सप्लायर वाइज नहीं देखना है, कंसोलिडेट वाइज देखना है बेटा। सेकंड थिंग, यहाँ पे कैलकुलेशन में वही इनवॉइसेस आएंगे जिसको GSTR 1 के थ्रू 2A माना होता था बेटा। मतलब अगर RSM के थ्रू डायरेक्ट आपने टैक्स पे किया, आपने क्रेडिट लिया, तो आपका इनवॉइस आपने ही पंच किया, खुद ने क्रेडिट लिया बेटा, तो 2A में तो आता नहीं बेटा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम पे किया, कस्टम के साथ IGST पे किया, ISD का क्रेडिट GSTR 6 के थ्रू आता बेटा, 1 के थ्रू नहीं आता है। तो इस तरह के क्रेडिट जो GSTR 1 के थ्रू नहीं आते हैं, उनका तो आप क्रेडिट वैसे भी ले सकते हो, वहाँ पे उसको 10% के लिए प्रोविजनल बेस का जो 10% है मैक्सिमम लिमिट, उसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब फायदा ही दिया बेटा, आपको नुकसान नहीं है। सेकंड बोलता है, नेक्स्ट क्या बोलता है, अच्छा आपको जो क्रेडिट लेना बेटा वो कब तक लेना है, कब तक आपको एलिजिबल क्रेडिट काउंट करना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 1 तक जो बिल आ गए वो एलिजिबल क्रेडिट में काउंट होंगे बेटा आपके, और उसका 110% हो जाएगा। क्लियर? अब 110% कैसे करना, हमने देख लिया। रिमेनिंग क्रेडिट का मिलेगा जिस दिन आपको 9,09,091 की बिल आ जाए, तो सर आपका ये समझ लेना पूरा 10 लाख एलिजिबल हो गया, तो रिमेनिंग क्रेडिट आप ले पाएंगे बेटा। हाँ है ना बच्चों, ये भारत माता की जय, कोई खास बात नहीं, ये पूरा सर्कुलर खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, आइए सर अगला अमेंडमेंट हम पढ़ते हैं। आइए वापस से पिछले पेज पे आइए, पेज नंबर 106 हमने पढ़ा था लास्ट, फिर देखिए 131 मिला होगा सर आपको, 131 मिला होगा सर आपको, मिला बच्चों आपको सर रूल नंबर 43, भारी बहुत भयंकर शानदार पॉइंट है सर, दिल थाम के बैठेगा। एक लॉ में एरर था पहले जिसको रेक्टिफाई कर दिया, मैंने पढ़ाते वक्त भी बोला था और आपको भी पढ़ते वक्त डाउट आया था कि सर ये गलत हो रहा है, जी हाँ सही कर दिया गया। मैं पहले रिपीट करता हूँ पूरा पॉइंट, फिर समझाऊंगा क्या चेंज हुआ है। सर रूल नंबर 43 में पूरा बोल रहा हूँ एक बार आपके लिए बेटा, अमेंडमेंट अपना कोर हो जाएगा। अच्छा अगेन आप देखिए बेटा, अभी आप जो देख रहे हो रूल नंबर 43 पेज नंबर 131, ये बैरेक्ट पार्ट है बेटा, तो बैरेक्ट पार्ट देखिए 131 पे भी चेंज किया हुआ है, 132 पे भी तीन जगह ए लिखा है बेटा, ये बैरेक्ट पार्ट है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा। इसके आगे 132 के बाद में आगे दे रखा आपको 138A मिला होगा बेटा पेज आपको, मेरे को मेन बुक के पेज नंबर चेंज नहीं करना था इसलिए मैंने बीच में पेज ऐड करने के लिए 138A ऐड कर दिया, सो दैट सीक्वेंस चेंज नहीं हुई पेज नंबर की। ओके सर, पेज नंबर 138A मिला होगा बेटा, ये रूल नंबर 43 पूरा आपके लिए दे रखा है नया, जो आपकी बुक के अंदर 138 पे ये पेज दे रखा होगा उसी को रिप्लेस करना रूल नंबर 43 को पूरा, ये पूरा मैंने रूल नंबर 43 आपको याद दे दिया बेटा। ओके, मैं पहले आपको पूरा रूल नंबर 43 बोल रहा हूँ, फिर अमेंडमेंट अपना आप समझा दूंगा मैं आपको बच्चों, अभी उधर ध्यान नहीं। तो आपके आगे के दो पेज जो थे बैरेक्ट वाले वो मैंने हटा दिए, डायरेक्ट 138A पे आ गया हूँ बच्चों में, क्योंकि वो रिपीट किया इंडिया पे अपनी लैंग्वेज में, ध्यान इधर बुक्स में भी ध्यान नहीं, अभी ध्यान पूरा इधर, माहौल होना चाहिए माहौल, यू नो सर कत्ले आम हो जाएगा नहीं तो, ध्यान इधर हथौड़ा त्यागी। पॉइंट मेरा आपसे ये है, रूल नंबर 43 क्या कहता है सर, कैपिटल गुड्स याद आया बच्चों, अगर मेरे फैक्ट्री में मोर देन वन गुड्स है, या आई एम अ ट्रेडर ऑफ मोर देन वन गुड्स, या आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विस ऑफ मोर देन वन सर्विसेज, और गुड्स और सर्विस और बोथ जिसमें से कुछ एग्जेम्प्ट और कुछ क्या है टैक्सेबल है, तो कॉमन इनपुट सर्विस के लिए रूल नंबर 42 था और कैपिटल गुड्स के लिए रूल नंबर 43 है। सुना बच्चों ध्यान से, मान लो आवाज नहीं आ रही हुई, ऑब्वियस बता आवाज कैसे आएगी सर, पर हाँ आप बोलना है, मान लिया सर, मान लो मेरी फैक्ट्री में दो गुड्स बनते हैं, कौन कौन से, ये कैलकुलेटर और पेन। क्लियर? चलो मैं अपना क्लास वाला एग्जांपल रिपीट करता हूँ, मार्कर और पेन। क्लियर? चलो इसको मान लो मार्कर, इसको मान लो पेन। पेन क्या है? एग्जेम्प्ट। मार्कर क्या है? टैक्सेबल। अच्छा मैंने एग्जांपल गुड्स के लिए, इट में बी सर्विसेज ऑल्सो बेटा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एग्जेम्प्ट गुड्स या एग्जेम्प्ट सर्विस, इसको बोलेंगे टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस। ओके बच्चों, सरकार अगर कोई कैपिटल गुड्स मैंने परचेज किया, मैं रूल नंबर 43 पूरा बोल रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से सुनना, उसके बाद अमेंडमेंट ध्यान से पढ़ा दूंगा मैं आपको, छोटा सा अमेंडमेंट हुआ मस्त। सर रूल नंबर 43 बोलता है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया विच इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, हटा दो साहब। अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने एक्सक्लूसिवली परचेज किया, आपने परचेज किया और एक्सक्लूसिवली का हमारा किसके लिए, एग्जिम सप्लाई के लिए, हटा दो साहब, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया और वो 17(5) ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, हटा दो साहब, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया जो एक्सक्लूसिवली का हमारा किसमें, टैक्सेबल सप्लाई के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई, ले लो साहब क्रेडिट पूरा ले लो, कोई दिक्कत नहीं साहब। पर अगर कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किए किसके लिए,
बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम सप्लाईज के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता बेटा, सारा क्रेडिट ले लो, एक बार सारा क्रेडिट ले लो, फिर अवेल कर लो, फिर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करो, और डिवाइड बाय 60 मंथ करके 60 मंथ तक उसको स्ट्रेट लाइन मेथड से सर क्या कर दो, स्प्रेड कर दो 60 मंथ तक, और फिर एवरी मंथ क्या करेंगे हम, रेस्पेक्टिव मंथ का टर्नओवर, एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके हम प्रोपोर्शनेट जो अमाउंट आएगा हर महीने क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। ये रूल नंबर 43 वापस से बोलता बेटा मैं। कॉमन क्रेडिट का क्या किया बेटा आपने, सर मान लो आपने इस मंथ में, मान लो मंथ चल रहा अभी क्या जून 2020 मंथ में, या चलो मई मंथ की बात करते हैं जिसकी कैलकुलेशन जून में कर रहे हैं, मई 2020 मंथ में आपने बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेस किए, उन सब का मिला के 70 लाख रुपए का टैक्स आपने पे किया था परचेस पर, उसमें से कुछ टैक्स था, कुछ कैपिटल गुड्स थे एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए हटा दो साहब, कुछ कैपिटल गुड्स थे एक्सक्लूसिवली एग्जम के लिए हटा दो साहब, कुछ कैपिटल गुड्स 17(5) में कवर थे ब्लॉक क्रेडिट में हटा दो साहब, कुछ कैपिटल गुड्स केवल और केवल टैक्सेबल इनकम है इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई ले लो क्रेडिट, बचा हुआ क्या है कॉमन क्रेडिट बेटा। अब जो कॉमन कैपिटल गुड्स है ये डिफाइन नहीं कि टैक्सेबल इनकम है कि एग्जम इनकम है, दोनों में कम है, कॉमन कम है, तो ऐसे केस में वो भी पूरा क्रेडिट आप ले लीजिए बेटा। जैसे वो था मान लो सर 36 लाख, अब 36 लाख का जो क्रेडिट था वो वॉल्यूम से आ रहा ना, 36 लाख का जो टोटल क्रेडिट था कितने का 36 लाख का, वो था कॉमन क्रेडिट, अब पूरा क्रेडिट वो भी ले लो बेटा, फिर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, अब 60 मंथ करेंगे तो साहब 60 मंथ तक वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से स्प्रेड हो जाएगा बेटा, 36 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ कितना होता है 60,000 रुपी, तो 60,000 रुपये पर मंथ हो गया बेटा, वो 60,000 रुपये पर मंथ आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा 60 महीने तक, आपने 36 लाख एक बार पूरा क्रेडिट ले लिया, अब क्या करेंगे 60,000 जो हर महीने के लिए स्प्रेड हुआ है उसको रेस्पेक्टिव मंथ का एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, रेस्पेक्टिव मंथ का एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करके हम क्या करेंगे जो अमाउंट आएगा उसको हर महीने की रेस्पेक्टिव आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, और सर जितना अमाउंट आपको लायबिलिटी में ऐड करना है उसको आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, ये पहले भी था अभी भी है बेटा, और इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आगे बढ़ती कहानी बेटा, कहानी क्या बढ़ती है सर, मान लो आवाज़ नहीं देखो, मान लिया माहौल सर, अगर कोई कैपिटल गुड्स पहले केवल एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट में काम आ रहा था, अगर कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट में काम आ रहा था और अब किस में काम आ रहा है टैक्सेबल में काम आ रहा है, जान देना, तो क्या किया था आपने जब इसके लिए परचेज किया तब आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा, कुछ टाइम बाद वो केवल इसमें काम आ रहा है, तो क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो पूरा क्रेडिट ले लेंगे साहब। ओके, केस नंबर 2 ध्यान से, कोई कैपिटल गुड्स पहले केवल एग्जिम में काम आ रहा था, आपने क्रेडिट नहीं लिया था, फिर कुछ टाइम बाद वो कैपिटल गुड्स कॉमन काम आ रहा है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम दोनों के लिए, तो क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो पूरा क्रेडिट ले लेंगे, और फिर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, और ई अपन एफ चालू हो जाएगा बच्चों। वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान देना बेटा, सर जैसे कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया केवल एक्सक्लूसिवली एग्जिम सप्लाई के लिए, तो आपने क्या किया होगा, कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा उस मशीन का, 2 साल तक केवल इसमें काम आया बेटा, फिर 2 साल बाद वो कॉमन काम आ रहा है टैक्सेबल एज वेल एज एग्जिम के लिए, तो क्या करेंगे माहौल, सर 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, अब 2 साल मतलब 8 क्वार्टर बेटा, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर 8 क्वार्टर के लिए आप उस अमाउंट को लेस कर देंगे बेटा, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो पूरा क्रेडिट आप ले लेंगे, अरे हाँ है ना साहब, और फिर उसको क्या करेंगे जैसे रिमेनिंग अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज पे 10 लाख रुपये टैक्स पे किया, कितना पे किया बेटा 10 लाख, और वो मशीन पहले केवल एग्जिम में काम आ रही थी, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, अब क्या करेंगे 2 साल बाद वो कॉमन काम आ रही बेटा, तो 5% पर क्वार्टर लेस कर दिया बेटा आपने, अब 2 साल मतलब 8 क्वार्टर बेटा, अरे 1 साल में 4 होता है ना बेटा, क्लियर, तो 5 × 8 कितना होता है 40% लेस कर दो बेटा, तो 10 लाख में से 40% लेस कर दिया, 4 लाख गया बेटा, 6 लाख बच गया, अब 6 लाख क्रेडिट आप पूरा अवेल कर लेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, और नेक्स्ट 60 मंथ तक ई अपॉन एफ करेंगे एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर बेटा, ई मतलब एग्जिम टर्नओवर, एफ मतलब टोटल टर्नओवर बेटा, हाँ है ना, तो आपने और मैंने पढ़ते वक्त ये बताया था कि सर देयर इज एन एरर इन द लॉ, लॉ में एरर था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, और आईसीए ने भी वो एग्जाम में आंसर दिया जो लॉ में लिखा था, लॉ में एरर तो आईसीए क्या करे इसमें बेटा,
अब साहब यहां दिक्कत यह आ रही थी कि सर जब मशीन का लाइफ गवर्नमेंट ने माना है 5 साल, तो 2 साल तो उसकी लाइफ ऑलरेडी हो चुकी है, तब तो रिमेनिंग 36 मंथ में डिवाइड होना चाहिए ना यार ये, जबकि हो कितने में रहता बेटा डिवाइड, अगेन नेक्स्ट 16 मंथ तक डिवाइड होके ये बने हो रहा था, विच वॉज एन एरर इन द लॉ। इस लॉ के एरर को रेक्टिफाई कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, और जी हां अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, जैसा आप चाहते हो कि 6 लाख डिवाइड बाय 36 मंथ कर दो और 36 मंथ तक ई एपन एफ कर दो, ऐसा ही क्या है, पर थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग रखा है सो दैट फॉर्मूला अच्छे से सेट हो जाए, यही क्या है। पर सर क्या हुआ है अमेंडमेंट, आप दिल थाम के सुनिएगा बेटा। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया पहली बात तो ये कि किसी भी कैपिटल गुड्स की जो लाइफ होती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल वो 5 साल मानिए, पर 5 साल कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस डेट से 5 साल मानेंगे सब, और जब तक इसकी लाइफ होगी मतलब इनवॉइस से 5 साल तक जब तक इसकी लाइफ होगी तब तक ही आप उसको अपोर्शन करेंगे ई अपॉन एफ करके। अब साहब अमेंडमेंट कैसे किया आगे, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल एग्जाम में काम आ रहा था, आई रिपीट, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल एग्जाम में काम आ रहा था, दिल थाम के सुना बेटा, तो आपने उसके लिए क्रेडिट नहीं लिया होगा बेटा, 2 साल बाद वो अब कॉमन काम आ रहा है, तो क्या करेंगे आप, आपने इसके परचेज पर 10 लाख रुपये टैक्स पे किया था, मान लो कैपिटल गुड्स के परचेज पर 10 लाख रुपये टैक्स पे किया था जो आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम लिया था, उस टाइम क्रेडिट नहीं लिया, अब वो कॉमन काम आ रहा है टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में, तो पूरा 10 लाख एक बार क्रेडिट अवेल कर लो, आई रिपीट पूरा 10 लाख क्रेडिट अवेल कर लो। पर सर आप कहेंगे 2 साल तो वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आया सर, तो 2 साल का रिवर्स कर दो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, मतलब 10 लाख इंटू 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, जैसे 8 क्वार्टर हुए तो 4 लाख आया 40%, तो 4 लाख रुपये उसी महीने की लायबिलिटी में ऐड कर दो, तो 10 लाख का क्रेडिट लिया, 4 लाख को लायबिलिटी में ऐड कर दिया, तो नेट 6 लाख ही तो आया बेटा, पर प्रेजेंटेशन ऐसा करने का जो मैंने बताया अभी आपको, 10 लाख अवेल करो, 4 लाख लायबिलिटी में ऐड कर दो बेटा, क्लियर। अब क्या होगा सर आगे, अब उस 10 लाख को डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, आई रिपीट किसको डिवाइड बाय 60 करेंगे सर, उस 10 लाख को डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और ई अपॉन एफ करेंगे, पर ई अपॉन एफ कब तक करेंगे बेटा, 60 मंथ कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स से, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस से बेटा, हाँ है ना। तो सर अब रिमेनिंग 36 मंथ बचे, तो रिमेनिंग 36 मंथ में ही उसका ई अपॉन एफ होगा, क्योंकि 2 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके, उसका तो वैसे भी जो क्रेडिट था वो लायबिलिटी में पूरा ऐड कर चुके बच्चा, हाँ है ना, क्लियर। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सर अमाउंट दोनों तरफ से एक ही आने वाला है, हाँ है ना बच्चों। तो अब क्या करेंगे सर, वापस बताइए मुझे आप, 10 लाख को पूरे 10 लाख को डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको अब रिमेनिंग 36 मंथ तक ई अपॉन एफ करके रिवर्स करते जाएंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करते जाएंगे, ओके। पहले 10 लाख का क्रेडिट लेंगे, उसी महीने में जितना टाइम वो एग्जाम में काम आया उतना लायबिलिटी में ऐड कर देंगे बेटा, पूरे अमाउंट को, जैसे 4 लाख था लायबिलिटी में ऐड कर दिया बेटा, अब 10 लाख एक तरह से आपने अवेल किया ना यार, 10 लाख को डिवाइड बाय 60 कर देंगे, अब जो अमाउंट आएगा उसको 36 मंथ तक ई अपॉन एफ चालू कर देंगे, भारत माता की जय, लॉ में परफेक्शन आ गया बेटा ये, ओके। सेकंड केस, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल इसमें काम आ रहा था, एग्जाम में टैक्स में काम आ रहा था, आपने सारा क्रेडिट लिया था बेटा, आई रिपीट आपने सारा क्रेडिट लिया था बेटा, फिर वो केवल एग्जाम में काम आ रहा था, क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर देंगे और बाकी पूरा क्रेडिट रिवर्स कर देंगे, लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, क्लियर, ओके। इसमें कोई चेंज की जरूरत भी नहीं, पर अगर कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्स में काम आ रहा था, आपने सारा क्रेडिट लिया था बेटा कैपिटल गुड्स का, फिर वो कॉमन काम आ रहा है, किस में काम आ रहा है, कॉमन, तो क्या करते थे पहले बेटा, आपने जब परचेज किया हुआ कैपिटल गुड्स को जो केवल टैक्स में काम आ रहा है, तो क्रेडिट तो आप उसका ऑलरेडी अवेल कर चुके हो, अब वो कॉमन काम आ रहा है तो वापस अवेल करने की बात तो नहीं आएगी, पर पहले क्या करते थे बेटा, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे और 60 मंथ तक ई अपॉन एफ करेंगे, मतलब 3 साल तक मशीन को ही मान लो केवल टैक्स में काम आ चुकी है, अब रिमेनिंग लाइफ 2 साल बची है, फिर भी पहले क्या होता था, रिमेनिंग लाइफ 2 साल की जगह रिमेनिंग 5 साल तक डिवाइड बाय 60 मंथ करके 60 मंथ तक ई अपॉन एफ करते थे, पर अब अगेन यहाँ पे वही चेंज कर दिया बेटा, बोल दिया लाइफ तो 5 साल होगी, 5 साल कब से, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी बेटा, तो अब इसे इसमें क्या होगा बेटा, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल इसमें काम आ रहा है, अगर कोई कैपिटल गुड्स केवल टैक्स में काम आ रहा था, आपने सारा क्रेडिट ले लिया था बेटा, फिर वो कॉमन काम आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट तो ऑलरेडी अवेल कर चुके बेटा, मान लो 3 साल बाद वो कॉमन काम आ रहा है बेटा, तो क्रेडिट तो ऑलरेडी अवेल कर चुके बेटा, क्लियर,
बस जो 10, मान लो इसका क्रेडिट था कितना 20 लाख का, फिगर चेंज करते 20 लाख का टैक्स पे किया था आपने उस कैपिटल गुड्स पे जो केवल टैक्स के लिए काम आ रहा था, तो 20 लाख क्रेडिट तो आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो। अब 3 साल बाद मशीन कॉमन काम आ रही है, तो कुछ मत करो, अवेल ऑलरेडी कर लिया, बस उस 20 लाख को कॉमन क्रेडिट में ऐड कर दो। किस में ऐड कर दो बेटा? कॉमन क्रेडिट की कैलकुलेशन के लिए ऐड कर दो, और फिर उसको डिवाइड बाय 60 कर दो, और फिर ई अपन एफ चालू हो जाएगा। पर डिवाइड बाय 60 क्या हुआ बेटा? पूरा 20 लाख, पूरा 20 लाख का डिवाइड बाय 60 हुआ है, और ई अपन एफ चालू हो जाएगा। पर ई अपन एफ कब तक होगा? जब तक उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहेगी। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कब तक रहेगी बेटा उसकी? अगले 2 साल तक ही रहेगी बेटा उसकी। हाँ है ना, क्लियर? तो 2 साल तक ही ई अपन एफ करना पड़ेगा। और सर 3 साल तक तो आपने ऑलरेडी उसको केवल टैक्स के लिए काम लिया था, आपने पूरा क्रेडिट वैसे भी ले रखा है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर तो। क्लियर? डन। और 3 साल तक कोई रिवर्सल की जरूरत नहीं थी, कोई ई एपन एफ करने की जरूरत नहीं थी। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट। तो सर लॉ में यहाँ पे एरर थे दोनों जगह पे, कि जब भी केवल टैक्स रिटर्न काम आ रहा है फिर कॉमन काम आ रहा है, या केवल टैक्स रिटर्न काम आ रहा था फिर कॉमन काम आ रहा था, सॉरी पहले मशीन केवल एग्जाम में काम आ रही थी फिर कॉमन काम आ रही थी, या फिर पहले मशीन केवल टैक्स रिटर्न काम आ रही थी फिर कॉमन काम आ रही थी, तो इन दोनों केस में क्या हो रहा था? जिस दिन वो कॉमन में हम यूज करना चालू करते थे वहां से वापस 60 मंथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। जो गलत था लो के अंदर उसको अमेंड कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, और बोल दिया क्या, जो ओरिजिनल टैक्स इन्वेस्टमेंट टैक्स पे किया उसको हम कॉमन क्रेडिट में ऐड करेंगे, और उसको डिवाइड बाय 60 करेंगे, और उसको फिर ई अपन एफ करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स के लिए बेटा। हाँ है ना, क्लियर? भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल बच्चों। हाँ है ना, क्लियर? आप कहे तो रूल नंबर 36, रूल नंबर 43 के जो ये जो 6 केस बनते हैं बेटा, ये वापस रिपीट करता हूँ, इसमें सारे पॉइंट आ जाएंगे बेटा, ठीक है? अब अमेंडेड पार्ट वापस में बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। 6 केस बनाता हूँ मैं आपके लिए, कि एग्जाम में काम आ रहा था फिर कॉमन काम आ रहा है, एंड वाइस वर्सा लाइक दैट। मैं 6 केस वापस बोल रहा हूँ बेटा आपके लिए, ठीक है? मैंने 4 केस अभी पढ़ा है, 2 और बताता हूँ, या मैं सारे 6 वापस बोल रहा हूँ। मान लो कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया किसके लिए? केवल एग्जाम के लिए। तो जब कैपिटल गुड्स इसके लिए काम आएगा, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा, 2 साल बाद वो मशीन केवल टैक्स में काम आ रही है बेटा, केवल। अच्छा एक बात और, बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था बेटा, कि सर आपने तो बताया था सेक्शन में 18 पढ़ाते वक्त ही कैपिटल गुड्स और इनपुट कोई भी हो लास्ट 1 साल में जो परचेज किया था उसी का क्रेडिट मिलता, उससे पुराने का क्रेडिट नहीं मिलता, वो सेक्शन 18 था। वहां पे जो गुड्स एग्जम्प्ट था वही टैक्सेबल हो रहा था। पेन जैसे पहले एग्जम्प्ट था, पेन अब टैक्सेबल हो गया, तो वहां पे 1 साल की लिमिट लगती है बेटा, कि लास्ट 1 साल में जो परचेज किया उसी का क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन एग्जम्प्ट था अभी भी एग्जम्प्ट है, पर अब उस पेन पहले एग्जाम था अभी भी एग्जाम है, पर उस मशीन से अब आप मार्कर बना रहे हो, या उस मशीन को अब आप कॉमन यूज दे रहे हो बेटा। ध्यान रखिए, दिस इज द डिफरेंस इन सेक्शन नंबर 17 एंड 18। अभी हम पढ़े 17, यहाँ पे कोई 1 साल का लिमिट अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल तो दिया आपको, 2 साल 3 साल के जानबूझ के दिया बेटा मैंने आपको। सुनो बच्चों ध्यान से, मान लो कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आ रहा था, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, 2 साल बाद वो टैक्स में काम आ रहा है, क्या करेंगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट पूरा क्रेडिट ले लेंगे। सेकंड केस, मान लो कोई मशीन केवल टैक्स में केवल एग्जाम में काम आ रही थी फिर कॉमन काम आ रही है, क्या करेंगे साहब? 5% सॉरी, पहले कोई मशीन केवल इसमें काम आई थी, आपने क्रेडिट नहीं लिया था, 2 साल बाद इसमें काम, 2 साल बाद कॉमन काम आ रही बेटा। क्लियर? जब आपने मशीन परचेज किया था वो एग्जाम में काम आ रहा था, आपने कोई क्रेडिट नहीं लिया था, अब वो कॉमन काम आ रहा 2 साल बाद, क्रेडिट तो मिलेगा बेटा। तो एक बार पूरा क्रेडिट अवेल करो, जो भी टैक्स पे किया उसका पूरा क्रेडिट ले लो बेटा। हाँ है ना, फिर जितने टाइम वो एग्जाम में काम आया, 2 साल काम आया, तो 5% पर क्वार्टर मतलब 8 क्वार्टर हो गए बेटा, तो 10 लाख × 5% पर क्वार्टर, और पार्ट ऑफ क्वार्टर जो है वो लाइबिलिटी में उसी महीने में ऐड कर दो, और जो टोटल क्रेडिट था पूरा ओरिजिनल क्रेडिट जो टैक्स इन्वेस्ट लिखा था 10 लाख रुपए, उसको डिवाइड बाय 60 करो, और ई अपन एफ चालू कर दो। पर ई अपन एफ जो होगा वो रिमेनिंग 3 साल के लिए रहेगा, क्योंकि ई अपन एफ के लिए जो 60 मंथ काउंट करेंगे वो डेट ऑफ परचेज ऑफ इनवॉइस से काउंट करेंगे बेटा। हाँ है ना, क्लियर? डन। जो परचेज इनवॉइस होगा वहां से। ओके बच्चों, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ओके, केस नंबर 3, मान लो कोई मशीन केवल इसमें काम आ रही थी, आपने सारा क्रेडिट लिया था, फिर कुछ साल बाद वो मशीन केवल इसमें काम आ रही, तो क्या करेंगे? 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर देंगे, रिमेनिंग क्रेडिट रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अब वो एग्जाम में काम आ रहा है। केस नंबर 4, कोई मशीन केवल टैक्सेबल में काम आ रहा था फिर वो कॉमन काम आ रहा है, तो ऐसे केस में आपने पहले क्रेडिट पूरा ले लिया होगा बेटा। हाँ है ना, अब वो कॉमन काम आ रहा है तो कुछ नहीं करने का, जो आपने पहले क्रेडिट लिया था उसको कॉमन क्रेडिट के पोर्शन में ऐड कर दो। अब कॉमन क्रेडिट में आपने ऐड कर दिया, फिर उसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे, ई अपन एफ चालू हो जाएगा। पर ई अपन एफ जो चालू होगा वो यूजफुल लाइफ तक ही रहेगा, और यूजफुल लाइफ क्या होती है? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्लियर? तो मान लो 3 साल तक वो केवल इसमें काम आया था, आपने सारा क्रेडिट ऑलरेडी ले लिया बेटा, अवेल कर लिया, अब वो कॉमन काम आ रहा है दोनों के लिए, तो सर उसी क्रेडिट को पूरे ओरिजिनल परचेज बिल का जो क्रेडिट था 20 लाख रुपए का टैक्स था उसको आप कॉमन में ऐड कर देना बेटा। फिर क्या करेंगे?
जब ई अपन एफ करने की बात आएगी तो पूरे 20 लाख को डिवाइड बाय 60 कर देंगे और ई अपन एफ जो होगा वो रिमेनिंग 2 ईयर ही होगा बेटा। क्लियर, पक्का, डन। केस नंबर 5, कोई मशीन मान लो कॉमन काम आ रही थी बेटा दोनों में, कोई मशीन कॉमन काम आ रही थी दोनों में बेटा, आपने सारा क्रेडिट लिया था, फिर मान लो कुछ टाइम बाद मशीन केवल इसमें काम आ रही बेटा, तो ई अपन एफ करना बंद कर दो, क्योंकि जब आपने मशीन परचेज किया होगा तब सारा क्रेडिट ले लिया होगा ऑलरेडी बेटा, फिर डिवाइड बाय 60 किया होगा, ई अपन एफ चालू कर दिया होगा, फिर मशीन केवल इसमें काम आ रही है तो ई अपन एफ करना बंद कर दो। क्लियर, सारा क्रेडिट आपने ऑलरेडी ले लिया बेटा। ओके, लास्ट केस, आपने कोई मशीन परचेज करी जो कॉमन काम आ रही थी, आपने सारा क्रेडिट ले लिया। अब आपने सारा क्रेडिट ले लिया, क्लियर, डिवाइड बाय 60 किया, ई अपन एफ चालू कर दिया, फिर वो मशीन केवल एग्जिम में काम आ रही है, तो क्या करेंगे साहब, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, रिवर्स कर देंगे बेटा, एक ही बात है, हाँ है ना, ये पूरा पॉइंट खत्म होता है अब, क्योंकि अब मशीन केवल किसमें काम आएगी, एग्जाम में काम आएगी, इसलिए हमने रिवर्स कर दिया रिमेनिंग क्रेडिट को बेटा। ओके, और ऑब्वियस बात है ई पर एफ तो बंद हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा रिवर्स कर दिया रिमेनिंग क्रेडिट बेटा। माहौल ये, इसी के साथ रूल नंबर 43 के जो अमेंडमेंट थे वो भी खत्म हो गया है, प्लस मैंने रूल नंबर 43 पूरा पढ़ा भी दिया बेटा आपको। ओके, क्लियर, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन का स्कोप बचे ही नहीं। ओके बच्चों, आइए जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 139, वो रिपीट हो रहा है, और रिपीट नहीं मतलब कंटिन्यू हो रहा है, रूल नंबर 43 चल रहा है बेटा वो भी। आइए उसके बाद जो पेज देखा, पेज नंबर 142, जी हाँ, अमेंडमेंट नहीं है ये, वो इलस्ट्रेशन 30 है जो अपने बुक में पहले भी था अभी भी है, पर इसका आंसर रूल नंबर 43 का है, इसका आंसर चेंज हो गया है, अमेंडेड आंसर हो गया, इसलिए मैंने आपको वापस दे दिया, सो दैट आपकी पुरानी बुक के आंसर की वजह से आप कंफ्यूज नहीं हो जाए बेटा। ओके, तो इसमें भी ये लिखा है कि अगर कोई मशीन पहले, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पेज में 142 के टॉप पे, इलेक्शन 30, मिस्टर मंगल, माहौल, मिस्टर मंगल अ मैन्युफैक्चरर परचेज द कैपिटल गुड्स ऑन 10th of July ऑन विच ही पेड IGST ऑफ ₹1 lakh विच वॉज यूज फॉर मेकिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, तो आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा ओरिजिनली बेटा। सब्सिक्वेंटली ऑन 14th February he started using the capital goods for making both taxable and exempt supplies, determine the implication of ITC as per rule 43. तो क्या करेंगे साहब, 10 जुलाई को परचेज किया, केवल एग्जाम में काम आया, कोई क्रेडिट नहीं लिया होगा आपने, अब क्या करेंगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर लेस कर देंगे, सॉरी क्या करेंगे, अभी पूरा 1 लाख एक बार अवेल कर लेंगे बेटा, फिर 1 लाख को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर, देख लेना 10th of July से लेकर 14th February तक नंबर ऑफ क्वार्टर कितने काउंट होंगे बेटा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान है ना आपको, फाइनेंशियल के क्वार्टर मतलब कैलेंडर के क्वार्टर, कुछ भी बोल दो बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 10th July है तो भी 1 जुलाई से काउंट होगा, तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 क्वार्टर, देन 14th February तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर 3 क्वार्टर होगा बच्चों, तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर मतलब 15%, तो 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000 रुपये बेटा, ये 15,000 क्या करेंगे, लायबिलिटी में ऐड कर देंगे बेटा, तो 1 लाख पूरा क्रेडिट अवेल करेंगे, 15,000 रिवर्स कर देंगे या लायबिलिटी में ऐड कर देंगे, और फिर उस पूरे 1 लाख को डिवाइड बाय 60 करके ई अपॉन एफ चालू कर देंगे, और ये ई अपॉन एफ जो होगा वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स के होगा, मतलब साहब जितनी मंथ बचे होंगे उसकी लाइफ के उतने मंथ तक ही रहेंगे, 60 मंथ तक चलेगा बेटा ये। क्लियर, डन। तो ये आंसर चेंज हुआ, रूल में चेंज हुआ, इसलिए सो दैट मैंने आपको आंसर दे दिया, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो आपको पुरानी बुक के हिसाब से। नेक्स्ट जो पेज देखा, अगेन इलस्ट्रेशन में 33 दे रखा है, इलस्ट्रेशन 33 सोरेन एंटरप्राइज, बच्चों ये पुराना क्वेश्चन है जो बुक में ऑलरेडी दे रखा है, पर रूल में 43 का क्वेश्चन है, अगेन रूल में अमेंडमेंट हुआ इसलिए क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, इसलिए मैंने अगेन आपको ये आंसर दे दिया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लो, आराम से आपको समझ में आएगा बेटा। सोरेन एंटरप्राइजेस इज इन द पोजीशन ऑफ सडन कैपिटल गुड्स एंड परचेजेस मोर ऑफ देम एज पर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, कैपिटल गुड्स ए, हम ये क्वेश्चन पूरा सोल्व कर रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स ए 12,000 रुपये ITC इसका, स्टेटस क्या है इसका, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, कोई ITC नहीं मिलेगा, हटाओ। कैपिटल गुड्स बी 24,000 रुपये है बेटा, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर जीरो रेटेड सप्लाई, जी हाँ जीरो रेटेड सप्लाई के केस में सारा ITC मिलता है, हम 24,000 का ITC अवेल कर लेंगे। कैपिटल गुड्स सी 60,000 रुपये टैक्स है इस पर, यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम सप्लाई, भाई कॉमन काम आया, एक बार सारा क्रेडिट अवेल करेंगे, फिर इसको कॉमन क्रेडिट में ऐड कर देना, फिर डिवाइड बाय 60 करके ई अपन एफ चालू कर देना बेटा। तो बेटर प्रेजेंटेशन ये रहेगा, आप दो कॉलम बनाइए बेटा, या मैं तो कह रहा हूँ 3 कॉलम बनाओ आप, फर्स्ट कॉलम में लिख दो कितना ITC आप अवेल कर रहे हो, सेकंड कॉलम में लिखो कॉमन क्रेडिट कौन कौन सा बेटा, सो दैट बाद में आपको वापस से कॉमन कैलकुलेट नहीं करना पड़े, और थर्ड कितना आपको लायबिलिटी पे करनी है, कितना आपको रिवर्स करना है बेटा, 3 कॉलम बनाइए आप। तो फर्स्ट जो ए कैपिटल गुड्स था उसका तो ITC अवेल ही नहीं हुआ, सेकंड 24,000 रुपये पूरा अवेल कर लो, कोई कॉमन क्रेडिट नहीं बेटा, कोई रिवर्सल नहीं है। कैपिटल गुड्स नंबर सी 60,000 पहले अवेल करो, तो अवेल में भी आएगा और कॉमन क्रेडिट में भी लिख दो 6,500 साइड में। ओके, थर्ड
रिवर्सल बाद में एक साथ कर देना बेटा. कैपिटल गुड्स डी हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 2 ईयर्स फॉर एग्जम्प्ट सप्लाईज, 1,20,000 रुपी टैक्स था इस पे. नाउ देर इज चेंज इन यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट सप्लाई. क्या करेंगे सर, 1,20,000 पूरा अवेल करेंगे, तो आईटीसी अवेल में पूरा 1,20,000 लिख देना. फिर 2 साल तक केवल किसमें कमाया, एग्जम में कमाया ना बेटा सर. तो 1,20,000 इंटू 5% इंटू 8 क्वार्टर यह आएगा 48,000. तो 48,000 लायबिलिटी में ऐड करना है. तो आपने थर्ड कॉलम जो बनाया था ना बेटा, कितना रिवर्स करना है, वहाँ 48,000 लिख देना. क्लियर? एंड देन 1,20,000 जो है वो किसमें कमा रहा बेटा, कॉमन में कमा रहा बेटा. तो कॉमन में भी 1,20,000 लिख देना बेटा, पूरा 1,20,000 लिख देना कॉमन के अंदर आप. ओके, तो 1,20,000 आपने अवेल किया, 1,20,000 कॉमन क्रेडिट मेड हो गया आपका, और 48,000 रिवर्स हो गया है, लायबिलिटी में ऐड हो गया बेटा. देन कैपिटल गुड्स नंबर ई हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 3 ईयर्स फॉर टैक्सेबल सप्लाईज. ओके, 1,80,000 टैक्स था इस पर. नाउ देर इज चेंज इन यूज बोथ फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम सप्लाई. ओहो, पहले केवल टैक्सेबल ने कमा रहा था, आप क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हो बेटा, तो अवेल वापस अवेल तो करने की बात आएगी नहीं बेटा. तो आईटीसी अवेल में कुछ भी नहीं लिखने का, पर ये 1,80,000 जो है ये पूरा आप कॉमन क्रेडिट मेड कर देना. तो कॉमन क्रेडिट का जो कॉलम था उसमें 1,80,000 आप लिख दीजिएगा बेटा उसको. क्लियर? कॉमन में आ गया. अब डिवाइड में 60 हो गए, ई पर एफ चालू हो जाएगा बेटा. क्लियर? यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल दी अबव कैपिटल गुड्स इज कंसिडर्ड इज 5 ईयर्स. ओके साहब, ये लाइन का कोई रिलेवेंस है नहीं, नहीं लिखता तो भी 5 साल लिखता बेटा. अ पोर्शन द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स वाइल बींग इन्फॉर्म दैट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जम सप्लाईज ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड बींग 6 लाख एंड टोटल टर्न ओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड बींग रुपीज 12 लाख. ओके, एग्जम टर्न ओवर मतलब ई 6 लाख, टोटल टर्न ओवर मतलब एफ 12 लाख. तो सर अपोर्शन करना बेटा. तो सर अब देखिए कॉमन क्रेडिट कौन कौन सा था बेटा. तो कॉमन क्रेडिट में आएगा एक तो कैपिटल गुड सी, डी और ई. तो 60,000, 120,000 और 180,000 टोटल हो गया कितना, 3,60,000. तो 3,60,000 टोटल कॉमन क्रेडिट है बेटा. इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे बेटा, हाँ है ना. अब डिवाइड बाय 60 करेंगे तो अमाउंट आएगा 6,000. अब जो अमाउंट 6,000 आएगा इसको क्या करना पड़ेगा, ये इस मंथ के लिए एलोकेट हो गया और इस मंथ का एग्जम टर्नओवर कितना 6 लाख एंड टोटल टर्नओवर कितना 12 लाख. तो व्हाट विल डू, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइड बाय तो आपका अमाउंट आएगा 3,000 रुपी. तो 3,000 रुपी क्या करना पड़ेगा, इस मंथ का वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी हो गया जो आपको रिवर्स करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स बेटा, हाँ है ना. और जब तक इन कैपिटल गुड्स की लाइफ रहेगी तब तक इनका ईएपीएफ होता रहेगा बेटा. क्लियर? जैसे कैपिटल गुड्स डी की लाइफ अब 3 साल और बची है तो 3 साल तक ईएपीएफ और होगा, कैपिटल गुड्स ई की लाइफ 2 साल और बची तो 2 साल तक ही ईएपीएफ होगा बेटा. क्लियर? भारत माता की जय. इजीली हो गया ना बेटा ये माहौल. सर ये रूल 43 पूरा खत्म होता है अब, प्लस उसके मैंने क्वेश्चन में जो चेंज थे वो भी आपको करवा दिया, सो दैट आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाए कि किस तरह से पॉइंट मिलेगा. अच्छा, नेक्स्ट पेज भी मैंने आपको दे रखा है क्योंकि वो वर्किंग नोट नेक्स्ट पेज में जा रहा है बेटा आपके इलेक्शन 33 के, पर 34 में कोई चेंज नहीं बच्चों, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा 34 में नो चेंज, सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं रही कि ये पेज दिया क्यों आखिर, क्योंकि वर्किंग नोट कंटिन्यू हो रहा है इस पेज पे. आइए बच्चों, नेक्स्ट आपको पेज 184 मिला होगा, ये वो सर्कुलर जो हमने पढ़ लिया बेटा, जो 110% ऑफ दी एलिजिबल क्रेडिट हम ले सकते हैं प्रोविजनल बेस पे. 184, 185, आइए 186, पेज नंबर 186, एक रूल नंबर 86 ए ऐड हुआ बेटा. अब रूल नंबर 86 ए क्या ऐड हुआ बेटा, हेडिंग पढ़िए, समझ में आ रहा माहौल एकदम जबरदस्त आराम से, गुड. कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बेटा. अभी क्या है, आपने सुना होगा जब से जीएसटी आया तब से बहुत सारे लोगों ने बोगस बिल का बहुत काम किया और बोगस बिल के बेस पे लोगों ने बहुत क्रेडिट लिए बेटा. तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रूल नंबर 86A गवर्नमेंट लेके आई, यहाँ बोला कि अगर कमिश्नर, सुना असिस्टेंट कमिश्नर, क्या बोला माजी, अगर कमिश्नर और एनी अदर ऑथराइज, रिपीट, रूल नंबर 86A बोलता है कि कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उसके पास अगर रीजन टू बिलीव है कि आपने जो आईटीसी लिया वो फ्रॉडलेंटली लिया है, आपने मतलब रेसिपिएंट ने, सर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर आईटीसी लिया वो फ्रॉडलेंटली लिया, फ्रॉडलेंटली किस वजह से लिया वो वजह भी याद रखी बेटा. जैसे उसने ऐसे टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लिया हुआ है जो ऐसे किसी पर्सन ने इशू किया है साहब, जिसका गवर्नमेंट ने जब उसका एड्रेस ढूंढा तो जिस प्लेस ऑफ बिजनेस को उसने डिक्लेयर कर रखा है कि ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहाँ से तो बिजनेस कर रही ना, कहीं और से कर रहा है बेटा. या फिर दैट सप्लायर वॉज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, मिला ही नहीं साहब,
मतलब केवल बिल पे काम चल रहा है केवल उसका, मतलब आपने ऐसे किसी टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी अदर डॉक्यूमेंट के बेस पे आईटीसी लिया हुआ है जो ऐसे किसी सप्लायर ने इशू किया जो जो मिल इन रहा है, ही इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या वो बिजनेस कर रहा है फ्रॉम एनी अदर प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ डिक्लेयर्ड बिजनेस प्लेस, हाँ है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो प्लेस ऑफ बिजनेस उसने डिक्लेयर किया है वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहा, कहीं और से कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर आपको गुड्स या सर्विस रिसीव ही नहीं हुई, आप केवल बिल के बेस पे क्रेडिट ले रहे हो, या फिर साहब सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया ही नहीं, आपने बिल के बेस पे क्रेडिट तो ले लिया पर गवर्नमेंट को सप्लायर ने टैक्स पे किया ही नहीं, या फिर जो रेसिपिएंट जो क्रेडिट ले रहा है वो खुद वॉज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, है ही नहीं साहब, केवल बुक्स में ही है, केवल वो डमी काम कर रहा है वो, या फिर जिस प्लेस को उसने डिक्लेयर किया है एज इज प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ से बिजनेस नहीं कर रहा, कहीं और से वो काम कर रहा है, या फिर सर उसने क्रेडिट तो ले लिया पर उसके पास टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है ही नहीं, विदाउट द पजेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट उसने क्रेडिट ले लिया बेटा, तो ये सारे केस अगर है या इनमें से कोई भी केस अगर है तो दैट ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको बोल दे कि तूने आईटीसी अवेल तो कर लिया पर हम तेरे को यूज नहीं करने देंगे, वी विल नॉट अलाउ डेबिट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पर हाँ जिस दिन ये सारी कंडीशन जिसकी वजह से आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है कंडीशन हट गई, मतलब जैसे आपको गुड्स सर्विस रिसीव नहीं हुआ था अब रिसीव हो गया, टैक्स इनवॉइस आपके पास नहीं था अब आ गया साहब, सप्लायर वॉज नॉट फाउंड अब मिल गया साहब, रेसिपिएंट मिल नहीं रहा था अब मिल गया साहब, क्लियर, या प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा किसी और प्लेस से बिजनेस करता था उसने होस्ट था उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया या उसने प्लेस पे चला गया वापस, मतलब जिस वजह से उसको मना किया था क्रेडिट यूज करने के लिए वो वजह अब खत्म हो गई, तो यस नाउ यू कैन नाउ ऑफिसर विल अलाउ यू टू यूज द आईटीसी बेटा, हाँ है ना, पर हाँ गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑफिसर पे एक रजिस्ट्रेशन करा दी कि ये रेस्ट्रिक्शन अगर तूने एसएसबी लगाई तो दिस रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी फॉर मोर देन वन ईयर, एक साल तक ही ये रेस्ट्रिक्शन एसएसबी लग सकती है उसके बियॉन्ड नहीं लग सकती, क्योंकि एक साल में डिपार्टमेंट पता कर लो भाई, डिपार्टमेंट वालों को बोला तुम पता कर लो कि आदमी फ्रॉड है पहले ही पकड़ लो उसको, इस पूरी गैंग को पहले ही पकड़ लो, नहीं तो एक साल के बाद ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी बेटा उस पर, क्लियर डन, ये रूल नंबर 86 ए खत्म होता है। अब मैं वापस से रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ पे बोगस बिल के काम को बंद करने के लिए कम करने के लिए गवर्नमेंट ने रूल नंबर 86 ए इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया कि कमिश्नर या एनी अदर ऑथराइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या उसके हायर रैंक वाले ऑफिसर्स जो ऑथराइज है कमिश्नर से, उनके पास अगर रीजन टू बिलीव है कि किसी भी असिस्टेंट ने आईटीसी लिया है ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स जो ऐसे किसी सप्लायर ने इशू किया है विच इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या वो ऐसे किसी प्लेस से बिजनेस कर रहा है जो अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस बेटा, मतलब जो डिक्लेयर किया उसने प्लेस ऑफ बिजनेस उसके अलावा किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस कर रहा है, या फिर गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुआ केवल बिल के बेस पे क्रेडिट ले रहा है, या फिर उसके पास बिल जो रेसिपिएंट है उसके पास टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट या एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है ही नहीं केवल क्रेडिट ले लिया बेटा उसने, या फिर रेसिपिएंट खुद जिसने क्रेडिट लिया है वो खुद पर्सन वॉज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट या कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस एज डिक्लेयर्ड इन हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ऐसे केस में ऑफिसर के पास पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है उस एसएससी पर कि वी विल नॉट अलाउ डेबिट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब हम इस क्रेडिट लेजर को आपको उतना अमाउंट के लिए यूज नहीं करने देंगे जितना अमाउंट आपने गलत लिया है बेटा, हाँ है ना, प्लस जिस दिन ये वजह हट जाएगी आप रेक्टिफाई कर लेंगे कंडीशंस को उस दिन सब हम आपको क्रेडिट यूज करना अलाउ कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है बेटा, प्लस अच्छा रजिस्ट्रेशन उतनी अमाउंट पे लगेगा जिन अमाउंट के लिए ये मामला गड़बड़ता बेटा, जो वैलिड क्रेडिट थी बेटा वैलिड आईटीसी के लिए कोई मना नहीं करेगा, प्लस ये रेस्ट्रिक्शन एसएससी पर केवल एक साल तक ही ऑफिसर लगा सकता है उसके बाद वो नहीं लगा पाएगा, क्लियर डन माहौल, ये रूल नंबर 86 ए जो गवर्नमेंट ने ऐड किया है खत्म होता है। अब आइए इसी पेज पे एक और सर्कुलर मैंने आपको दे रखा है बेटा, क्लेरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी इन केसेस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट रेड विद रूल नंबर 41(1) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, हेडिंग पढ़ने के बाद लगा होगा पता नहीं क्या बाउंस गया है, सुनना बच्चों पहले याद कराता हूं मैं आपको, सरकार अरे भाई अमलगमेशन मर्जर डीमर्जर टेक ओवर चेंज ऑफ ऑनरशिप इनके केस में क्या होता है, ट्रांसफरर के पास क्रेडिट पड़ा था उसने बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया तो ट्रांसफरी को ट्रांसफर क्रेडिट आईटीसी पास ऑन कर सकता है बेटा, अरे मैंने अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया तो और मेरे पास अगर आईटीसी पड़ा तो मेरा आईटीसी आपको मिल जाएगा ना बेटा यार, अरे हाँ है ना जीएसटी आईटीसी 02 नंबर के फॉर्म फिल करके आपको मैं आईटीसी पास ऑन कर सकता हूँ बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है रूल नंबर 41 के अंदर। अब डीमर्जर के केस में क्या होता था बेटा, ये आपने पढ़ा हुआ वही पढ़ा रहा हूँ, सर्कुलर है अमेंडमेंट नहीं है बेटा, डीमर्जर के केस में क्या होता है, मान लो एक कंपनी है ए बी लिमिटेड अब बन गई ए लिमिटेड और बी लिमिटेड,
तो सर ए बी लिमिटेड के पास में जितना एनटीसी था वो दोनों में डिवाइड होगा बेटा। अब दोनों में डिवाइड होगा तो किस रेशियो में होगा बेटा? क्लियर? तो उसके लिए हमने बात करी कि वैल्यू ऑफ असेट्स, और वैल्यू ऑफ असेट में वो सारे असेट लेने हैं जो उसके बिजनेस का पार्ट बनता है, भले ही उन पे उसने आईटीसी लिया था या नहीं लिया तो उसे कंसर्न नहीं है। तो मान लो 1 करोड़ का असेट ए लिमिटेड ट्रांसफर हुआ और 2 करोड़ के असेट्स बी लिमिटेड ट्रांसफर हुए बेटा, तो 1:2 के रेशियो में आईटीसी ए बी लिमिटेड पास हो जाएगा, ए और बी दोनों को बेटा। हाँ है ना बच्चों, ये आपने और मैंने पढ़ा हुआ बेटा। अब यहाँ पे इस प्रोविजन को लेके इंडस्ट्री में कुछ सर्कुलर, कुछ कंडीशंस, कुछ कन्फ्यूजन हुए उसको लेके इन्होंने सर्कुलर इशू किया। अच्छा, शुरुआत के एक दो पैर तो वही जो मैंने आपको समझाया बेटा इंट्रोडक्शन वाले कि रूल क्या था बेटा आखिर। अब देखिए इश्यूज क्या क्या है। फर्स्ट पढ़िए बॉक्स के अंदर क्लोज नंबर ए, सीरियल नंबर ए, इशू नंबर 1। इन केस ऑफ डी मर्जर प्रोवाइजो टू रूल नंबर 41(1) ऑफ द सीजीएस रूल्स प्रोवाइड्स दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स एज स्पेसिफाइड इन द डी मर्जर स्कीम। यस सर, यस माहौल। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर एज टू वेदर द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स इज टू बी कंसिडर्ड एट स्टेट लेवल और एट ऑल इंडिया लेवल। बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा ये। मान लो ए बी लिमिटेड जो हमने एग्जाम्पल लिया उसकी 2 ब्रांचेज है, एक है महाराष्ट्र में, एक है राजस्थान में। महाराष्ट्र का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर था, राजस्थान का अलग रजिस्ट्रेशन नंबर था। अब उसने डी मर्जर कर दिया, ए लिमिटेड अब ए बी लिमिटेड अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बन गई। अब साहब ब्रांचेज जो थी वहाँ पे भी 2 यूनिट कर दी गई, मतलब महाराष्ट्र में भी क्या हो गया, ए महाराष्ट्र में भी ए बी थी बेटा, वहाँ पे भी ए अलग हो गया बी अलग हो गया, और राजस्थान में जो ब्रांच थी वो भी ए अलग हो गई और बी अलग हो गई बेटा। तो ऐसे केस में अब रेशियो जो करना आई टी सी पास ऑन करने का वैल्यू ऑफ असेट्स का, क्या पूरा इंडिया में जो दोनों ब्रांच थी उसकी बेटा दोनों के टर्नओवर को, दोनों के वैल्यू असेट्स को ऐड करके फिर प्रोपोर्शन करना है या स्टेट वाइज करना है बेटा? तो यहां सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि साहब इसको स्टेट लेवल पे करना है क्योंकि हर स्टेट वाइज उसका असेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है एंड एवरी पर्सन इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे करना है। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूं स्टेट लेवल भी नहीं बोलना, अच्छा वर्ड क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे करना है क्योंकि राजस्थान ब्रांच का आईटीसी अलग होगा, महाराष्ट्र ब्रांच का आईटीसी अलग होगा। अब सुनना बच्चों, महाराष्ट्र ब्रांच के जितने असेट्स ए को मिले होंगे और जितने असेट बी को मिलेंगे उस रेशियो में महाराष्ट्र वाले आईटीसी को पास ऑन करना है। राजस्थान वाली ब्रांच के जितने असेट्स ए को मिले होंगे, जितने असेट बी को मिले होंगे उस रेशियो में राजस्थान ब्रांच का आईटीसी को प्रोपोर्शन करना है। सर ऑल इंडिया बेस पे टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स को ऐड करके प्रोपोर्शन नहीं करना है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में एरर हो जाएगा बेटा। क्लियर? एग्जांपल के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे दिया इन्होंने, नेक्स्ट पेज पे इलस्ट्रेशन दे रखा है पेज नंबर 187 बेटा। अ कंपनी एक्स वाई जेड इज रजिस्टर्ड इन 2 स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इट्स टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स इज वर्थ 100 crores while its assets in the state of MP and UP are rupees 60 crore and 40 crore respectively beta. Okay, total asset kitna hai 100 crore ke MP aur UP mein beta, 60 crore 40 crore respectively beta. It demerges a part of the business to company ABC as a part of a demerger scheme. Assets of XYZ amounting to rupees 30 crore are transferred to ABC in the state of Madhya Pradesh while assets amounting to only rupees 10 crore are transferred to ABC in the state of UP. टोटल असेट ट्रांसफर होकर कितने 40 करोड़ के, पर देखिए दोनों में रेशियो अलग अलग है बेटा, स्टेट वाइज देखेंगे तो रेशियो लग जाएगा बेटा आपका। तो सर स्टेट नंबर 1 मतलब एमपी, एमपी में जो असेट ट्रांसफर हुआ है वो आउट ऑफ 60 लेख 30 लेख ट्रांसफर हुआ बेटा, तो 1:2 रेशियो होगा बेटा, मतलब 0.5। हाँ है ना। एंड अगर यूपी की बात करेंगे हम तो आउट ऑफ 40 लेख 10 लेख के असेट पास होंगे बेटा, तो 1:4 के रेशियो में पास होगा बेटा आईटीसी। क्लियर? मतलब 1:3 के रेशियो में बेटा। हाँ है ना, क्लियर? समझा? तो दिस इज हाउ प्रॉप। और अगर अपन ओवरऑल देखें तो 40% हो गया बेटा क्योंकि टोटल 40 करोड़ के एसेट पास हुए। तो आपको टोटल 40% नहीं करना है, आपको मध्य प्रदेश का अलग करना है और यूपी का अलग कैलकुलेशन करना है। ये मानना कि यूपी वाली कंपनी अलग थी, एमपी वाली कंपनी अलग थी, यूपी वाली कंपनी का अलग डी मर्जर हुआ है और एमपी वाली कंपनी का अलग डी मर्जर हुआ है, ये मान के कर लेना बेटा। क्लियर? डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज ये डी मर्जर होगा और डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज असेट्स को हम देखेंगे और डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज जो डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज जो वैल्यू ऑफ असेट होगा वो जो डीमर्ज हो गया दूसरी कंपनी में जाएगा उस रेशियो में रेस्पेक्टिव डिस्टिंक्ट पर्सन का रेस्पेक्टिव हम आईटीसी पास ऑन करेंगे। क्लियर? डन। सेकंड, इज द ट्रांसफरर
रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02, क्योंकि आईटीसी पास ऑन करने के लिए जीएसटी आईटीसी 02 का फॉर्म फिल करना पड़ता है. इज द ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटी आईटीसी 02 इन ऑल द स्टेट्स वेयर इट इज रजिस्टर्ड? क्या सारे स्टेट में करना है? नहीं साहब, जहां जिन ब्रांचेस का डीमर्जर हो उन्हीं स्टेट में करना है बेटा. मान लो एक ब्रांच और होती मेरी, एक एमपी में थी, एक यूपी में थी, एक गुजरात में भी थी बेटा, पर एमपी में डीमर्जर होके ए और बी हुआ है, यूपी में डीमर्जर होके ए और बी हुआ है, या सर ए बी लिमिटेड था ए अलग हो गया, यूपी के अंदर ए बी लिमिटेड था ए अलग हो गया, पर हमारी जो गुजरात वाली ब्रांच थी उसमें कोई डीमर्जर नहीं हुआ. तो जब वहां पर डीमर्जर हुआ ही नहीं, वहां कोई असेट्स किसी को पास ऑन हुए ही नहीं, तो क्या वहां पे जीएसटी आईटीसी 02 फिल करना है क्या? नहीं. तो देखिए, नो, द ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 ओनली इन दोज स्टेट्स वेयर बोथ ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफरी आर रजिस्टर्ड. जहां पे ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफरी दोनों रजिस्टर्ड होंगे वहीं पे आईटीसी 02 फिल करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे तो आईटीसी पास ऑन होगा बेटा. जहां आईटीसी पास ऑन करना ही नहीं है, आईटीसी 02 पास ऑन क्यों करें बेटा? आईटीसी 02 फिल क्यों करें? पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखिए बेटा, मैं समझाता हूँ, लैंग्वेज में बड़ा लंबा लिखा है. ये बोला है सरकार रूल ने केवल डी मर्जर की बात करी है, रूल ने केवल डी मर्जर की बात करी है, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन. अरे भाई, पार्टनरशिप फर्म प्रॉपर्टीशिप कंसर्न बन गई, हो सकता है ना यार? क्लियर, एक पार्टनरशिप फर्म थी, दो पार्टनरशिप फर्म बन गई बेटा, ये भी तो हो सकता है. तो अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? तो सरकार ने क्लेरिफाई किया, अरे डी मर्जर तो हमने एक इंडिकेशन दिया है, जो डी मर्जर में होता है वही अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में भी होगा, कोई अलग कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल वही कैलकुलेशन है. मतलब प्रोविजन सेम वहां पे भी अप्लाई होंगे, जो डी मर्जर में अप्लाई होते हैं वो सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगे. सब आइए क्वेश्चन में सी, जो नेक्स्ट पेज पे दे रखा है वहां हम बढ़ते बेटा. क्वेश्चन बोलता है क्या, वेदर द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स एज प्रिस्क्राइब अंडर प्रोवाइज़ड रूल 41 सब रूल 1 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स शैल बी अप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द हेड्स ऑफ इनपुट टैक्स रेट वेट, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी और सेस. एक बड़ा ही शानदार पॉइंट, जल्दी मत करना, सर्कुलर ने कमाल का फैसिलिटी दिया बेटा अपने को, ये पूरा पेज ही उसको समझाता है, ध्यान से सुनना. ये बोलता है क्या, सी का अलग कैलकुलेशन, एस का अलग कैलकुलेशन, आई का अलग कैलकुलेशन करना है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल 40:60 के रेशियो में आपको पास ऑन करना है क्रेडिट, तो सी जी एस टी आई टी सी भी है, एस बी आई टी सी और आई बी है, तो सब पे 40:60 लगाना है या सबको कंबाइन करके 40:60 एक साथ कर सकते हैं? जी हाँ, जो आप सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, सबको कंबाइन करके 40:60 करना है. मतलब 10 लाख का आई टी सी था किसका? आई जी एस टी का. 5 लाख का आई टी सी था एस जी एस टी का. 5 लाख का आई टी सी था सी जी एस टी का. टोटल आई टी सी कितना हो गया? 20 लाख का. अब 40:60 से ट्रांसफर करना है, वो कैसे करना है? 20 लाख का 40% कर लो साहब. अब 20 लाख का 40% कितना हो गया? मान लो 40% ऐसे पास हो रहे बेटा, 20 लाख का 40% हो गया 8 लाख रुपए बेटा. अब 8 लाख जो आपको पास करना है, ये पूरा जैसे आईजीएसटी बैलेंस था कितना? 10 लाख का. एसजीएसटी बैलेंस था 5 लाख का. सी बैलेंस था 5 लाख का बेटा. तो आप चाहो तो पूरा 8 लाख आईजीएसटी पास कर दो, आप चाहे तो 8 लाख पूरा आईजीएसटी पास कर दो और सी और एस 00 पास करो डीमर्ज यूनिट को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. आप चाहो तो 2 लाख 2 लाख 4 लाख ऐसे कर दो, बस ध्यान रखना सी और एस में बैलेंस कितना बेटा? 5 लाख का बेटा. तो सी जी एस टी मान लो आपने ट्रांसफर करना है, सी जी सी पूरा 5 लाख ट्रांसफर कर दिया बेटा, और रिमेनिंग 3 लाख या तो आई जी एस टी पास कर देना या एस पास कर देना, या कुछ भी कर देना पास. मतलब यहाँ पे आपको लिबर्टी दे दी, आपको चॉइस दे दी कि सी एस और आई क्या पास करना आपकी इच्छा है. टोटल अमाउंट जो है 8 लाख पास कर दो, आपकी जो इच्छा हो पास कर दो, पर ऑब्वियसली बात है सी जी एस टी मैक्सिमम बैलेंस ही 5 लाख, तो मैक्सिमम 5 लाख ही बैलेंस ट्रांसफर हो पाएगा सी वाला. क्लियर, पक्का, डन. और उसी को इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा हुआ है इस पेज के एंड में. देखिए बेटा, दो एग्जाम्पल दे रखे बेटा. देखिए बच्चों, सर स्टेट दे रखा दिल्ली और हरियाणा, जो टेबल दे रखा नीचे वो देखिए बेटा. देन असेट्स रेशियो, असेट रेशियो ऑफ द ट्रांसफरी 70%, 40%. टैक्स रेट दे रखे सी एस आई ओ टोटल. क्लियर. अब देखो बेटा, पहले दिल्ली का देखो, आप दिल्ली में टोटल आईटीसी कितना पहले वो देख लो बच्चों. आप टोटल आईटीसी है 70 लाख रुपये का, टोटल आईटीसी है 50 लाख रुपये का. कितना असेट्स पास ऑन हुआ बेटा ट्रांसफरी को? 70%. तो 50 लाख का 70% कितना होता है? 35 लाख. तो टोटल अमाउंट लिख दो 35 लाख जो ट्रांसफर को ट्रांसफर होगा. अब 35 लाख में सी एस और आई तुम्हारी मर्जी हो वो ट्रांसफर कर दो. जैसे इसने सी जी एस टी 10 लाख था, 10 लाख का 10 लाख पास कर दिया. ऐसा नहीं कि 10 लाख का 70% 7 लाख ही सी एफ पास कर सकते, ऐसा नहीं है बेटा.
तो सीजीएसटी 10 लाख बैलेंस है, आप पूरा 10 लाख ट्रांसफर कर दो, आपको सीजीएसटी का 70% करने की जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस दे दी बेटा यहाँ पे, आप चाहो तो 70 कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर चॉइस आपकी है बेटा। एसजीएसटी भी इसने 10 लाख का 10 लाख पास कर दिया एग्जाम्पल के लिए बेटा, और आईजीएसटी फिर 30 में से केवल 15 ही पास हो पाएगा, क्योंकि टोटल 35 लगे बेटा, क्लियर। तो 10 लाख सी ट्रांसफर कर दिया, 10 लाख एसजीएसटी ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग 15 लाख आईजीएसटी पास होंगे, टोटल 35 लाख रुपी पास होंगे आईडीसी बेटा, हाँ है ना, और रिमेनिंग केवल आईजीएसटी के आसपास 15 लाख बैलेंस रह गया। हरियाणा के अंदर क्या किया बेटा इसने, 40% पास होगा, पहले आप देखेंगे सीएस और आई का टोटल कितना बेटा 70 लाख, अब 70 लाख का 40% कितना होगा 28 लाख, तो 28 लाख टोटल आईडीसी इसको पास करना है, आगे बात खत्म, क्लियर। अब 28 लाख में तुम्हारी इच्छा हो कर दो बेटा, जैसे सी एस का 25 लाख, 25 लाख आई टी सी और आई जी एस टी 20 लाख है, तो इस केस में इसने क्या किया 20 लाख पूरा आई जी एस टी पास कर दिया, तो चॉइस आपकी, आपकी जो इच्छा हो करो, जरूरी नहीं कि ये जो एग्जाम्पल दे वही आपको फॉलो करना है, क्लियर। और एस जी एस टी 5 लाख पास कर दिया, 3 लाख रुपये सी जी एस टी पास कर दिया, ये समझाने के लिए बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमारी जो इच्छा है हम करेंगे, करो कोई दिक्कत नहीं, टोटल 28 लाख पास होना चाहिए, ईच हेड वाइज आपकी जो इच्छा वैसा पास कर दीजिए बेटा, क्लियर डन। आइए पॉइंट नंबर डी, बड़ा अच्छा पॉइंट अगेन, पॉइंट डी और ई, डी में दो पॉइंट है, दोनों शानदार है बेटा। पॉइंट आता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ट्रांसफरेबल आईटीसी द अपोर्शनमेंट फॉर्मूला अंडर प्रोविजो टू रूल 41(1) ऑफ द सीजीएसटी रूल्स हैज टू बी अप्लाई टू अनयूटिलाइज आईटीसी बैलेंस ऑफ द ट्रांसफरर। ओके, अनयूटिलाइज बैलेंस होगा उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे और पास ऑन कर देंगे। हाउएवर इट इज नॉट क्लियर दैट एज टू विच डेट शेल बी रिलेवेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज आई टी सी बैलेंस ऑफ द ट्रांसफर। अरे किस दिन का अनयूटिलाइज बैलेंस ऑफ आई टी सी लेना बेटा, अरे अनयूटिलाइज आई टी सी का मान लो 60-40 रेशियो में पास ऑन करना है, 40% पास ऑन करना है, तो 40% किसका, अनयूटिलाइज आई टी सी का, पर वो अनयूटिलाइज आई टी सी किस दिन का बैलेंस देखेंगे हम, तो उसके लिए सर्कुलर ने बोला कि सर आई टी सी कैसे पास ऑन करते हो आप, तो हमने बताया जीएसटी आईटीसी 02 नंबर के फॉर्म के थ्रू करते हैं, तो जिस दिन आप जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करेंगे उस दिन जितना अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा उसका आप जितना परसेंटेज पास ऑन करना उतना आप 40% पास ऑन करना, 40% उस दिन का आईटीसी का बैलेंस आप पास ऑन कर सकते हो। किस दिन का बेटा, जिस दिन आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करते हो उस दिन का बेटा। ओके, अब आता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेट शैल बी रिलेवेंट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स। अब आपने बताया सर जितने असेट्स डी मर्जर की स्कीम में पास होंगे उस रेशियो में हमको आईटीसी पास ऑन करना पड़ेगा, तो क्या बोला है विच डेट शेल बी रिलेवेंट टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोविजन टू रूल नंबर 41 सब रूल नंबर 1 ऑफ द सीजीएस रूल्स 2017। किस दिन का हमको साहब वैल्यू ऑफ असेट्स का रेशियो लेना है, तो बोला है कंपनीज एक्ट ने बोला है क्या, देखो कंपनीज एक्ट में जब भी कोई कंपनी डी मर्ज होती है तो वहां लिखा है क्या, हम एक अपॉइंटेड डे बताएंगे, एक तारीख बताएंगे जो होगी अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर, तो जो अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर होगा उस दिन के जो असेट्स होंगे उस दिन जो उन असेट्स की वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ असेट्स जितना जिसको पास ऑन होगा उस रेशियो में आपको असेट्स पास ऑन करने हैं, उस रेशियो में आपको आईटीसी पास ऑन करना है बेटा। आई रिपीट, अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर एज पर कंपनीज एक्ट जो होगा, जो डी मर्जर की स्कीम में क्लियर लिखा होता है वो डेट को जो वैल्यू ऑफ असेट्स पास ऑन हो रहे हैं उतना ट्रांसफर को उस वैल्यू के अकॉर्डिंग क्रेडिट प्रोपोर्शन पास ऑन करना है। पर सर अब ये प्रोपोर्शन तो असेट्स का आ गया, पर ये कौन सी आईटीसी में करना है, जिस दिन आप आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करेंगे उस दिन जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी होगा उस अमाउंट पर ये वैल्यू ऑफ असेट्स का प्रोपोर्शन अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, क्लियर डन। मैं वापस बोलता हूँ बेटा, आईटीसी पास ऑन कब करेंगे, जब जीएसटी आईटीसी 02 फिल होगा तो उस दिन जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी होगा वो अमाउंट हम लेंगे, पर किस दिन के रेशियो के हिसाब से पास ऑन करेंगे, जिस दिन आपका डी मर्जर का स्कीम अप्रूव होता, मतलब जो अपॉइंटेड डे ऑफ डी मर्जर होता है बेटा। क्या बेटा, कंपनीज एक्ट ने क्लियर लिखा है क्या, अपॉइंटेड डे, अप्रूवल डेट नहीं बेटा, अपॉइंटेड डे ऑफ डी मर्जर, अपॉइंटेड डे ऑफ डी मर्जर जो होगा उस दिन जो वैल्यू ऑफ असेट्स होगा जो पास ऑन हुए ट्रांसफर को उस रेशियो से आप अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी जो जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करते करने के दिन जो आपके पास बैलेंस था उसको आप प्रोपोर्शन डिवाइड कर देंगे बेटा, क्लियर। तो असेट्स का रेशियो किस दिन का लेना है, अपॉइंटेड डे ऑफ डी मर्जर, पर किस दिन का अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी लेना है, जिस दिन जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करेंगे उस दिन का बेटा, क्लियर डन। सर्कुलर खत्म होता है अब और आईटीसी के भी अमेंडमेंट सारे खत्म होते हैं। अब देखा जाए तो अमेंडमेंट नहीं था, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे जो अमेंडमेंट तो हो गया पर प्रैक्टिकल लाइफ में जब सिचुएशन आई तब वो क्वेरी रेज हुई तो उसका आंसर दिया सर्कुलर ने। मैं ये वाला लास्ट वाला सर्कुलर आपके वापस बोल देता बेटा, पूरा रिवाइज करता हूँ सो देट आपको कंक्लूजन भी समझ आया कि आखिर जिंदगी में हुआ क्या है। सबसे पहली बात बेटा कि
आपको जो असेट पास ऑन करने हैं, ये ऑल इंडिया बेसिस पे असेट लेने हैं या स्टेट बेसिस लेने बेटा, तो डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज आपको असेट्स जितने पास ऑन हो रहे उस रेशियो में ले लें, ऑल इंडिया वाइज नहीं लेने बेटा। सेकंड, आपको जीएसटी आईटीसी 02 कौन कौन से स्टेट में फाइल करना, जिन जिन स्टेट में ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों रजिस्टर्ड हुए, मतलब जिन स्टेट में कुल मिला के असेट पास ऑन हुए, जिन असेट में नई कंपनी को ट्रांसफर हुए, उन्हीं जिन उन स्टेट्स में जहाँ पे ट्रांसफर और ट्रांसफर रजिस्टर्ड है, जिन स्टेट में डी मर्जर हुआ है, उन्हीं स्टेट की ब्रांचेस के लिए आईटीसी 02 आपको फिल करना, सबके लिए फिल नहीं करना बेटा। देन क्या केवल डी मर्जर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, ये जो पॉइंट है वो ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है बेटा। देन साहब, आपको जो आईटीसी पास ऑन करना है, ये सी एस और आई सब में अलग अलग प्रोपोर्शन फॉर्मूला लगाना है या टोटल आईटीसी का एक साथ फॉर्मूला लगा सकते हैं? प्रोपोर्शन का टोटल आईटीसी का एक साथ फॉर्मूला लगाना है प्रोपोर्शन ट्रांसफर करने का, पर अमाउंट जो आपको पास ऑन करना है सी एस और आई, तुम्हारी इच्छा उतना ट्रांसफर करो, पर मैक्सिमम उतना ही पास ऑन होगा जितना उस हेड में अवेलेबल है बैलेंस। क्लियर? एंड देन आपको जो पास ऑन करना है क्रेडिट, वो किसके थ्रू होगा बेटा? जीएसटी आईटीसी 02 के थ्रू होगा। तो उस दिन जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, पर किस रेशियो में करेंगे? जो वैल्यू ऑफ एसेट होगा, पर वैल्यू ऑफ एसेट कब का लेना बेटा आपको? जो अपॉइंटेड डे ऑफ डी मर्जर होगा, अपॉइंटेड डेट ऑफ डी मर्जर, उस दिन के रेशियो के बेस पे आप प्रोपोर्शन पास ऑन करेंगे बच्चों। क्लियर? ये पूरा सर्कुलर डी मर्जर वाले केस में भी खत्म होता है। अब ये चैप्टर 5 तक के सारे अमेंडमेंट आपके खत्म होते हैं। अब आइए कंपोजिशन स्कीम, सांस ले लो एक बार। कंपोजिशन स्कीम, पानी पी लूं क्या मैं भी? आइए बच्चों, कंपोजिशन स्कीम। सर कंपोजिशन स्कीम क्या कहता है बेटा? अरे वो चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम याद है बेटा? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है, तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो, और आपको केवल 1% टैक्स पे करना है। याद आया? क्लियर? तो सर ये तो मैंने जस्ट एक आपको हल्का सा एग्जाम्पल दिया, आइडिया दिया, तो आप कंपोजिशन चैप्टर की तरफ पहुंच जाए, आपका माइंड फोल्डर पहुंच जाए वहां तक। अब एक शानदार पॉइंट ऐड हुआ बेटा यहां पे। सर फर्स्ट आपको मिला होगा पेज नंबर 185 पे एक्सप्लेनेशन मिला होगा बेटा, ये कंपोजिशन स्कीम वाला बेटा। देखो मैंने पुरानी बुक के पेज नंबर चेंज नहीं किए, इसलिए ये जो सर्कुलर अभी आईटीसी चैप्टर मैंने ऐड किए उसमें भी पेज नंबर 185 वाला था, और अभी कंपोजिशन लेवल में 185 वाला है। ओके, देखना बेटा ध्यान से। कंपोजिशन स्कीम 185 पेज में मिला होगा बेटा आपको, ऊपर लिखा है चैप्टर का नाम कंपोजिशन स्कीम लेवी, कंपोजिशन लेवी बेटा। सरकार एक्सप्लेनेशन फोर्थ, अच्छा मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन क्या बोलना है। सरकार क्या बोला है? एलिजिबिलिटी लिमिट वापस बोल रहा हूं मैं, आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए प्रीवियस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट होती है बेटा। क्लियर? और करंट ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता है, तब तक आप एलिजिबल रहेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए, और कुछ स्टेट में 75 लिख दे रखा है बेटा। ओके, तो जो भी एग्रीगेट टर्नओवर है इसमें टैक्सेबल एग्जेम सब कुछ काउंट करते हैं बेटा, पर आपको पता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी का ऑर्डर आया था और उसने लिखा था क्या, अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है, ब्याज सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट की जो इनकम आपकी होती है, ब्याज की जो इनकम आपकी होती है, उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे एलिजिबिलिटी पर्पज के लिए बेटा। तो ये पहले रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के ऑर्डर के थ्रू पॉइंट दिया था, अभी इन्होंने एक्ट में एक्सप्लेनेशन ऐड करके लिख दिया, तो सर ऐसा अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। सेकेंड, एक और बात ऑब्वियसली बात है, अब 1.5 करोड़ का अगर आप टर्नओवर देख रहे हो, तो टोटल टर्नओवर बेटा आपका, आज मान लो फर्स्ट अप्रैल को मैंने बिजनेस चालू किया बेटा, अब साहब मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस ही नहीं हुआ सर, तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया बेटा। अब मेरा 15 जुलाई को 20 लाख टर्नओवर क्रॉस हो गया बेटा, अब मैंने अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा दिया बेटा और मैंने कंपोजिशन स्कीम ले ली बेटा, तो क्या 20 लाख तक जब मैं रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं था, उसके बाद 1.5 करोड़ वापस अकाउंट करेंगे क्या? मतलब टोटल 1 करोड़ 70 लाख हो गया इसका मतलब? तो नहीं, तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए यहां बोल दिया क्या
कि 1.5 करोड़ जो एग्रीगेट टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर है एलिजिबिलिटी के लिए, उसमें वो टर्नओवर भी हम ऐड करेंगे जब आप लायबल टू रजिस्टर नहीं थे। तो फाइनेंशियल जब शुरू हुआ आपका 1 अप्रैल से लेकर और जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हुए वहां तक के टर्नओवर को भी हम ऐड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी। बेटा टैक्स पे नहीं करना, उस पर टैक्स पे करने की बात नहीं करें, ऑब्वियसली बात है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल, यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर एट ऑल, तो आप पे टैक्स पे करने की बात तो आ ही नहीं सकती है। पर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी, बेटा 1.5 करोड़ का टोटल टर्नओवर देखते वक्त तो देखने नहीं पड़ेगा ना यार कि सर आपका टर्नओवर सर 1.5 करोड़ क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, उसमें हम 20 लाख तो काउंट करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं था, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो ये क्लेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया। वापस बोलता हूँ, दोनों पॉइंट बेटा जो यहाँ लिखे हैं एक्सप्लेनेशन में, ये लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखते वक्त, 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखते वक्त या कुछ स्टेट में 75 लाख का टर्नओवर, तो वो देखते वक्त एलिजिबिलिटी के लिए जिस दिन मतलब फाइनेंशियल शुरू हुआ, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो जिस दिन फाइनेंशियल शुरू हुआ वहां से लेकर जब आप लायबल टू रजिस्टर हुए उस दिन के तक के टर्नओवर को भी काउंट करेंगे, क्योंकि टोटल टर्नओवर का पार्ट तो वो भी बनेगा बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो वो भी बनेगा बेटा। पर जो आपको इंटरेस्ट की इनकम होनी अर्न हुई है, लोन एडवांसेस डिपॉजिट जो आपने दिए, एफडी पे इंटरेस्ट आया, किसी को लोन दिया उसका इंटरेस्ट आया, तो दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिशन स्कीम। बेटा क्लियर, डन। ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए, कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगले पेज पे ये बहुत सुंदर अमेंडमेंट किया है, सुंदर। जी हाँ सर, अब आप मुझे बताइए, शानदार पॉइंट। अब आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो सर, आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो, आपने कंपोजिशन स्कीम लिया। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको टैक्स कितना पे करना बेटा, अब टैक्स कितना पे करना मैं उसकी बात करूं बेटा, 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी ऑफ व्हाट, टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको बताया बेटा, आई रिपीट, 1% ऑफ व्हाट, टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अच्छा, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग के केस में, अच्छा मैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों ऐड करके बोल रहा हूं बेटा, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बेटा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों मिला के मैन्युफैक्चरर को 1% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट, मैन्युफैक्चरर को मैन्युफैक्चरर 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस को वाले को 5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, और ट्रेडिंग करने वाले को कितना, 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। बच्चों ट्रेडिंग करने के वाले क्या बोल दिया, 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो यहां पे तो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस होंगे वही काउंट होते हैं किसके लिए, ट्रेडिंग करने वाले के लिए। पर मैन्युफैक्चरर और आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को क्या बोल रखा है, आपको 1% या 5% जो भी पे करना है, किसका पे करना है, टर्न ओवर इन द स्टेट का पे करना है, और टर्न ओवर इन द स्टेट में टैक्सेबल एग्जम दोनों आता है बेटा, बिल्कुल पे करना है। पर सर अगर मेरी ब्याज की इनकम होती है, मैंने लोन दिया, एडवांस दिया, डिपॉजिट दिया, जिसमें मुझे इंटरेस्ट की इनकम ऑन होती है, डिस्काउंट की इनकम ऑन होती है, तो सर वो डिस्काउंट या इंटरेस्ट जो मेरे को ऑन हो रहा है वो भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सप्लाई ऑफ सर्विस है पर वो क्या है, एग्जिम्ट है, मेगा एग्जिम्ट लिस्ट में उसको एग्जिम किया हुआ है, पर वो भी तो टर्नओवर इन द स्टेट का पार्ट बनेगा। मतलब अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं या मैं एक रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हूं, तो वहां मुझे 1% या 5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट का पे करना, मतलब मुझे ब्याज की इनकम ऑन होती है उस पर भी साहब 1% टैक्स पे करना है मैन्युफैक्चरर को, और रेस्टोरेंट वाले को 5%। सही हो रहा है क्या बेटा ये, नहीं। तो लॉ में एक एरर था, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, नहीं 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 टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर दिस पर्पज विल एक्सक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। और सेकंड, आप अगर लायबल टू रजिस्टर नहीं हो तो बच्चों जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हुए उस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया बेटा, तो उसके बाद ही तो टैक्स पे करना है क्या, उसके पहले वाले टर्नओवर पे भी 1% टैक्स पे कर देंगे क्या, नहीं। तो साफ साफ बोल दिया बेटा क्या, ऑब्वियस ही बात है, 1 अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑन विच सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ये अमाउंट एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा एलिजिबिलिटी के लिए। पर जब टैक्स पे करने की बात आएगी 1%, तो 1% में तो ऑब्वियस ही बात है, जब आदमी रजिस्टर्ड ही नहीं था, लायबल टू रजिस्टर नहीं था, और जब जैसे उसने रजिस्ट्रेशन कराया कंपोजिशन स्कीम आ गया, आप बोलो पहले वाले टर्नओवर पे भी टैक्स पे कर दे, गलत हो जाएगा ना यार। तो जस्ट क्लेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐड किया, क्लेरिफिकेशन के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं बेटा।
सर, और यह साफ साफ लिख दिया क्या, फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेएबल लाइबिलिटी, आपके टर्नओवर इन द स्टेट या टर्नओवर के फिगर में से हम वो टर्नओवर एक्सक्लूड कर देंगे जो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है टिल द डेट व्हेन यू बिकम लायबल टू रजिस्टर। हाँ है ना, तो फाइनेंशियल शुरू हुआ 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से लेके मान लो 15 जुलाई को मैं लायबल टू रजिस्टर हुआ, तब तक का टर्नओवर था 20 लाख का, तो 20 लाख पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, 20 लाख को एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ की लिमिट में काउंट करेंगे एलिजिबिलिटी देखते वक्त, पर टैक्स पे करने के लिए 20 लाख काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 20 लाख के बाद जो रिमेनिंग 1.3 करोड़ बचेगा उस पे मुझे वहां तक मुझे कंपोजन स्कीम में रह पाऊंगा और मैं टैक्स पे करना पड़ेगा 1.3 करोड़ बेटा, क्लियर डन। पर उसमें भी इंटरेस्ट को काउंट करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और इंटरेस्ट को एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट नहीं करना बेटा, क्लियर माहौल, बहुत शानदार। ओके तो कुल मिला के ब्याज की इनकम जो है ना बेटा हर बिजनेसमैन को नॉर्मली छोटी मोटी होती है बेटा, तो इसको कंपोजिशन स्कीम वालों के स्कोप से बाहर कर दिया सब तरफ से बेटा, ना एग्रीगेट में काउंट करना है, ना टैक्स पे करने के लिए टर्नओवर जाएगा ना उसमें काउंट करना है, और अगला पॉइंट जो आ रहा है उसमें भी सेम बात कही बेटा। पता है अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या आप एक ट्रेडर हो या आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, आपने सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 में कंपोजिशन स्कीम लिया है, तो आपको ये कह दिया है कि यू कैन ऑल्सो सप्लाई सर्विसेज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, बट सर्विसेज का टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। हाँ है ना, तो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट हम लेते हैं उसमें भी हम इंटरेस्ट की इनकम को काउंट नहीं करेंगे। मतलब मान लो प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर इन द स्टेट था 84 लाख, कितना था बच्चों 84 लाख, और उस ईयर में 84 प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर इन द स्टेट था आपका 84 लाख, और उसमें से 4 लाख इनकम थी किसकी, इंटरेस्ट की, ब्याज की। तो सर 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट करते वक्त हम केवल 80 लाख ही काउंट करेंगे, दैट इंटरेस्ट की इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस टर्नओवर लिमिट ऑफ 10%। तो 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर के लिए प्रीवियस ईयर का जब हम टर्नओवर इन द स्टेट देखेंगे वो 84 लाख में से 4 लाख हटा देंगे, वो इंटरेस्ट की इनकम को प्रीवियस ईयर की जो इंटरेस्ट की इनकम है उसको हम काउंट नहीं करेंगे और 10% ऑफ केवल 80 लाख होगा बेटा, क्लियर। तो 80 लाख का 10% 8 लाख और ₹5 लाख विच इज हायर 8 लाख, तो टोटल 8 लाख तक की सर्विसेज करंट ईयर में आपकी हो सकती है बेटा, क्लियर। प्लस यहाँ पे एक और पॉइंट पहले भी था अभी भी बेटा, क्या करंट ईयर में कितनी इनकम हो सकती है बेटा आपकी सर्विसेज की, 8 लाख, और ये 8 लाख देखते वक्त करंट ईयर में अगर आपकी कोई ब्याज की इनकम आई तो वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। मान लो करंट ईयर में आपका 1 लाख का ब्याज का इनकम हो गया, तो ब्याज भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा, और 7 लाख की अदर सर्विस हो गई, देखा जाए तो टोटल कितनी सर्विस हो गई, 8 लाख की। पर फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी अंडर कंपोजिशन स्कीम हम ये देखेंगे हमारे 7 लाख की सर्विस की इनकम हुई, अभी 1 लाख का स्कोप और है क्योंकि हम करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था आपका टर्नओवर इन द स्टेट 80 लाख का 10% मतलब 8 लाख और 5 लाख विच इज 8 लाख, करंट ईयर में हम 8 लाख तक का सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं, तो करंट ईयर में जब 8 लाख काउंट करेंगे उसमें भी इंटरेस्ट का काउंट नहीं करेंगे। ये पहले भी था बेटा, ये वाला पॉइंट तो पहले भी था, तो वापस बोलता हूं दोनों पॉइंट्स मिला के बेटा। सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 के लिए लिखा हुआ है 10% ऑफ, आप अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 का, तो आप मैन्युफैक्चरर हो, रेस्टोरेंट हो, या आउटडोर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, या ट्रेडिंग करने वाले पर्सन हो, आपका करंट ईयर में सर्विसेज का सप्लाई का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। करंट ईयर में सर्विसेज टर्नओवर मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट जिसका हमको 10% करना है वो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट विल एक्सक्लूड इंटरेस्ट की इनकम, पहली बात तो ये। जैसे 84 लाख टोटल टर्नओवर था आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट, उसमें से 4 लाख इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट हटाया, अब 80 लाख का 10% हो गया कितना 8 लाख, अब 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 8 लाख, तो करंट ईयर में 8 लाख तक का आपका सर्विसेज का रेवेन्यू हो सकता है ऑल्दो आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है। पर अगर 8 लाख का टर्नओवर है, 8 लाख तक का टर्नओवर हो सकता है सर्विसेज का, तो करंट ईयर में 8 लाख की लिमिट देखते वक्त भी करंट ईयर में भी अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की इनकम हुई अन हुई है तो उसको भी इग्नोर करेंगे बेटा, क्लियर। तो कुल मिला के कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए आपके इंटरेस्ट की इनकम को हर जगह से क्या कर दिया इन्होंने, एक्सक्लूड कर दिया बच्चों, क्लियर डन। ये दे रखा है मैंने आपको अमेंडमेंट नेक्स्ट, और ये पेज नंबर 186 पर नीचे एग्जांपल दे रखा है जो मैंने आपको अभी 84 लेके एग्जाम्पल दिया वो मैंने यहाँ पे दे भी रखा बुक के अंदर आपको, जो नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू हो रहा है बेटा। फिर पॉइंट नंबर एफ देखिए, पेज नंबर 187 पे पॉइंट नंबर एफ, ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेटा पता है पहले भी था ये पॉइंट, रूल नंबर 5 में लिखा था क्या,
अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो बेटा। कौन बेटा आप? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी अगर आप हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर ये बात रूल में लिखी थी बेटा, एक्ट की अथॉरिटी नहीं दी आपे, तो इसलिए एक्ट की भी अथॉरिटी दे दी और इसको रूल में ऐड कर दिया, सॉरी इसको एक्ट में ऐड कर दिया सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में जो पांच कंडीशन थी उसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी कि यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये पॉइंट पहले भी था, अभी भी है बेटा, पहले रूल में लिखा था अभी एक्ट में भी लिख डाला, क्लियर? क्योंकि रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट, इसलिए बेटा इसको एक्ट में लिखना पड़ा इनको। ओके क्लियर डन। तो सरकार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीबी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता था, पहले भी था अभी भी बेटा, ठीक है डन। तो यहां पे एसएस देखा जाए तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस एक्ट में लिख डाला इसको। देन आइए ये सेक्शन 10 के अमेंडमेंट हो गए बेटा। अभी आइए कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, याद आया 50 लाख का टर्नओवर बेटा। बच्चों ये नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019 से ऑपरेट होता था बेटा, एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। तो अब क्या किया, जो सेक्शन नंबर 10 था कंपोजिशन स्कीम वाला, वहां पे सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A ऐड कर दिया। आई रिपीट, मैंने बॉक्स मार्क किया बेटा पे हेडिंग में सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A ऐड कर दिया। और पता है क्या, जो नोटिफिकेशन में लिखा था अमेंडमेंट कुछ नहीं है, एक छोटा सा वो इंटरेस्ट वाला अमेंडमेंट है जो वहां हुआ वो यहाँ पे भी हुआ है। पर रुको, जो नोटिफिकेशन 2 ऑफ 2019 के थ्रू बातें लिखी थी वही अब एक्ट के थ्रू बात लिख दी, क्योंकि सर एक्ट की अथॉरिटी देना इसके लिए बहुत जरूरी हो गया था, सो दैट इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाए, क्लियर? तो सर फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू, फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू जो 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल हो गया है उसके थ्रू सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A इंसर्ट कर दिया, और जो सारी बातें नोटिफिकेशन 2 ऑफ 2019 में थी कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विस सप्लायर वो सब वापस वापस रिपीट कर दी बेटा, एक्ट का अथॉरिटी दे दिया, बाकी कोई चेंज नहीं है, क्लियर? तो आप चाहे तो मैं पूरा इसका प्रोविजन एक बार बोल देता हूँ आपके लिए, मोटा मोटी पूरा याद हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, प्लस एक दो पॉइंट जो ऐड हुए वो भी तुम्हें समझा दूंगा। बस पॉइंट ऐड तो क्या हुआ, केवल वो ब्याज वाली इनकम वाला पॉइंट जो है वो ऐड हुआ, भाई कोई खास बात ऐड नहीं हुई बेटा। सुनो बच्चों ध्यान से, ये बोला सबसे पहली बात, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो, सप्लायर ऑफ सर्विस हो, और अगर आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो बेटा, मतलब नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो आप चाहो तो इस स्कीम में आ सकते हो। ये स्कीम क्या कहता बेटा, अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम था तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप चाहे तो ये कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, सर्विस सप्लायर की कंपोजिशन स्कीम। और ये कहता है क्या, आपको जो आपका टर्नओवर होगा वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाइज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वैल्यू एग्जम्प्ट या टैक्सेबल हो उसका आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, 3% CGST, 3% SGST, क्लियर? और सर ऑपरेटिंग प्रोविजंस वही होंगे जो नॉर्मल कंपोजन स्कीम है, वही सारे ऑपरेटिंग प्रोविजन होंगे। प्लस अब यहाँ पे 50 लाख जो प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं हम वो देखते वक्त, या करंट ईयर में 50 लाख का जब हम टर्नओवर देखते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, अगेन इसमें लिख दिया क्या, अगर आप लायबल टू रजिस्टर नहीं थे, अगर आप लायबल टू रजिस्टर नहीं थे तो जिस दिन फाइनेंशियल शुरू हुआ 1 अप्रैल से लेकर जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हुए वहां तक के टर्नओवर को हम टोटल टर्नओवर जो एग्रीगेट टर्नओवर है एलिजिबिलिटी के लिए उसमें तो काउंट करेंगे, क्लियर? पर टैक्स पे करते वक्त जब आपको 6% टैक्स पे करना ना, टैक्स पे करते वक्त उस अमाउंट का हम ऑब्वियसली काउंट नहीं करेंगे। सेकंड सर ब्याज की इनकम, सर एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट है 50 लाख का, उस ब्याज की इनकम को उस 50 लाख में भी काउंट नहीं करेंगे। प्लस जो 6% टैक्स पे करना है उसके लिए टोटल टर्नओवर बोला है आपको, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत भली टैक्सेबल हो एग्जम्प्ट, पर उसमें भी आपको ब्याज की इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। जो पॉइंट वहां पे सेक्शन नंबर 10 में आपने पढ़े वो यहाँ पे भी लिख दिया बेटा साथ में। ओके तो कुल मिला के पहले क्या था, लॉ में एक एरर था बेटा साहब, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बहुत भली एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल हो तो ब्याज पे भी टैक्स लग जाता था पहले, इसलिए यहाँ पे क्लेरिफिकेशन का एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया, वो बोल दिया कि नहीं नहीं हम आपसे ब्याज पे हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे। नॉर्मल गुड्स की कंपोजिशन स्कीम में भी लिख दिया और सर्विस सप्लायर के भी कंपोजिशन स्कीम में ये लिख दिया बेटा, क्लियर? कि न तो हम एग्रीगेट टर्न ओवर काउंट करेंगे उसको, न टैक्स पे करने के लिए टर्न ओवर जो आपका होगा उसमें भी हम काउंट नहीं करेंगे बच्चों, क्लियर? ओके सरकार ये एक बात। अच्छा अब अदर कंडीशन क्या बेटा, फर्स्ट पहली बात आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 की नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो तो ही ये स्कीम मिलेगी, ऑब्वियसली बात है, वहां तो 1% टैक्स पे करना या 6% पे करना बेटा। सेकंड यू शुड नॉट बी एंगेज इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। थर्ड यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू सच ईसीयू जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है बेटा, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देन
सर आप ऐसी कोई गुड्स सप्लाई नहीं करो विच आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी। अरे 6 गुड्स ज्यादा है, घूम लो और झूम लो, अरे पेट्रोल डीजल वगैरह और एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप नॉन लेवेबल गुड्स में डील करते हो तो आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। देन सर यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू शुड नॉट बी अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, देन यू शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग 4 गुड्स जो नोटिफाई करी गवर्नमेंट ने बेटा, वही 4 गुड्स कौन कौन सी, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको बेस्ड गुड्स और कोल्ड ड्रिंक्स, याद है बेटा एडिटेड वाटर कंटेनिंग एडेड स्वीटनिंग मटेरियल्स बेटा, हाँ है ना, एडेड शुगर और अदर स्वीटनिंग मैटर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स इसमें आती है बेटा, क्लियर डन। प्लस आप जो बिल इशू करेंगे वो बिल और सप्लाई इशू करेंगे, बिल पे लिखेंगे कि हमने सब कंपोजिशन स्कीम ली है इसलिए वी आर नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, ना आपको कोई क्रेडिट मिलेगा ना आपके कस्टमर को क्रेडिट मिलेगा, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे बेटा। अरे क्लियर सर, आपने जिस पेन नंबर के लिए ये स्कीम ली है उस पेन नंबर जितनी भी आपकी ब्रांचेज है पूरे इंडिया में सबके लिए कंपोजिशन लेना पड़ेगा बेटा आपको, ऐसा नहीं कि एक ब्रांच में कंपोजिशन लिया एक पे नॉर्मल स्कीम लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा आपके लिए। अरे हाँ है ना, आपने ऐसा कोई इनवर्स सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी आती है तो आरसीएम की लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी, नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा उसमें और उसका आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा, क्लियर। और सारे बाकी गवर्निंग प्रोविजंस जो सेक्शन नंबर 10 में अप्लाई होते हैं नॉर्मल स्कीम ऑफ कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 1 में, वही सारे प्रोविजन यहाँ पे भी अप्लाई होंगे बेटा, हाँ है ना, ये मैंने पूरा ही पढ़ा दिया आपको, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर बेटा, भारत माता की जय, हाँ है ना, क्लियर। और अगर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने कंपोजिशन ले लिया और फिर ऑफिसर ने अगर आपको पकड़ लिया कि आप मामला गड़बड़ कर रहे हो तो ऐसे केस में वो आपसे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स रिकवरी करेगा यूजिंग सेक्शन नंबर 73 और 74, वो शो को नोटिस देगा, पेनल्टी वगैरह लगाएगा बेटा पे, हाँ है ना, क्लियर डन, ये भारत माता की जय, हाँ है ना बच्चों, ये पूरा प्रोविजन मैंने वापस रिपीट कर दिया। तो देखा जाए तो एज सच मेन जो पॉइंट में अमेंडमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि टैक्स पे करते वक्त आपके टर्नओवर में जिस पे आप 6% टैक्स पे करते हो या नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पे करते हो 1% या 5% उसमें हम इंटरेस्ट की इनकम को काउंट नहीं करेंगे। सेकंड, एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट जो सर्विस सप्लायर के लिए 50 लाख का है और नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ का है या 75 लाख का है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, वो 1.5 करोड़ की या 50 लाख की लिमिट देखते वक्त भी हम इंटरेस्ट की रेवेन्यू को काउंट नहीं करेंगे, ये मेन पॉइंट ऐड हुआ बेटा, बाकी कोई खास बात नहीं, पहले और बाकी के पॉइंट तो पहले भी थे अभी भी है बच्चों, क्लियर। ये कंपोजिशन के भी पॉइंट खत्म होते हैं। अब आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट, हमारा चैप्टर नंबर 6 भी खत्म होता है। अब आई होप सारे अमेंडमेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर पक्का माहौल। सरकार आइए अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक ब्रेक ले लेंगे छोटा सा बेटा, चलो एक ब्रेक ले लेते छोटा सा, देन वी आर कमिंग बैक विद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अमेंडमेंट। इसमें एक अमेंडमेंट आया है और उसी की रिगार्डिंग एक सर्कुलर हुआ है, क्लियर, पढ़ते हैं ब्रेक के बाद। आई होप सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं बच्चों, आपके एंड पे होना इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके, क्योंकि आपको पता है क्या, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और इंडिया की शान आप लोगों बेटा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू।